रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। तो एनिमल किंगडम में वी हैव डन, यस यस हो रही है बेटा, और अपलोड भी होगी अमरजीत का। तो वी हैव डन दिस थिंग आई थिंक कि कौन कौन से मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, है ना। ओके नाउ वी मूव ऑन टू, कि वी डिसाइडेड कि देयर आर 11 डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, इन विच वी डिफाइंड 11 डिफरेंट, सॉरी, फाइला, फाइलम जिसको बोलते हैं, दैट आर फर्दर सब डिवाइडेड अंडर द दैट कम अंडर द किंगडम एनिमिलिया। तो पॉरीफेरा है, स्नाइडेरा, स्टीनोफोरा, प्लेथियन, मिथ्रेशियल, मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। अब बोलोगे सर ये डिवाइड करना है, इसको किस तरह से याद करेंगे? तो याद करने में आपको मैंने एक चीज बताई थी कि हम इनको डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि वी हैव डिवाइडेड देम इनटू दीज बेसिक डिविजन्स। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी सिमेट्री रेडियल या बाइलेटरल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, आइदर इट्स सेलुलर टिश्यू या ऑर्गन लेवल, है ना, ये हम करके आए थे। जर्मिनल या एम्ब्रियोनिक लेयर्स में हम कल कर रहे थे, याद है। जर्मिनल्स और एम्ब्रियोनिक लेयर में होता है, थ्री लेयर्स होती हैं, किसी में दो लेयर्स होती हैं, जिनमें थ्री लेयर्स होती हैं उनको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनमें दो होती हैं उनको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। सिलोम इज डिपेंडेंट अपॉन द बॉडी कैविटी। मेटामेरिज मतलब सेजमेंटेशन कितने हैं, आपने कभी अर्थवॉर्म देखा होगा, उसके ऐसा नहीं लगता कि एक एक डब्बा है, फिर एक डब्बा है, फिर एक डब्बा है, फिर एक डब्बा है, ऐसे करके कनेक्टेड होता है वो, उसको सेजमेंटेशन बोलते हैं। नोटोकोर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड की डिफ्रेंसिएशन होना, तो नोटोकोर्ड बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड। तो जितने जहां पे होएगा उसको नॉन नॉन कोऑर्डिनेट्स भी होता है, कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स भी बोला जाता है। रियर्स चल दिए हैं, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ लेयर्स चल दी सी, हाँ हाँ ओके 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 रवीना, आई गेट इट, आई गेट योर पॉइंट। सो वी डिवाइडेड द ऑर्गेनिजम्स इन बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ, लेट मी रिमूव दिस। तो वी डिवाइडेड द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ आइदर इट इज पैराजोआ, मेटाजोआ। मेटाजोआ हमने डिवाइड किया था, मेटाजोआ। मेटाजोआ कौन से होते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, जो कि मोबाइल होते हैं, जो कि हेटरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन होते हैं, और जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। समझ लग गए, मल्टी सेलुलर, मोबाइल, हेटरोट्रॉफिक एंड यूकैरियोटिक, दे ऑल कम अंडर मेटाजोआ। मेटाजोआ की दो ब्रॉडर डिवीजन हमने कही थी, एक थी पैराजोआ और एक थी यू पैराजोआ, यू यू मेटाजोआ, सॉरी। व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पैराजोआ, क्या होता था इसमें बताइए, डिडंट वी डू दिस, करवाया नहीं था ये बना, ये देखो करवाया नहीं था, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला देखिए। तो मेटाजोआ होता है, मेटाजोआ में पैराजोआ होता है, जिसमें सेल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें फाइला नंबर ए पहला आता है हमारा, उसका नाम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो आप पढ़ेंगे क्या होगी उसकी ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल की, जो टिश्यू लेवल की, उसके बाद सारे का सारा टिश्यू लेवल आता है हमारा। टिश्यू लेवल में आगे हम बताएंगे डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की कैविटी है उसकी, बॉडी में कैविटी कैसे। अच्छा चलो, कल हम इसकी बात कर रहे थे कैविटीज की, तो हमने एक जनरल सा नोशन बनाया था कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स में भी स्पर्म्स आते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं, एक एकैन होता है, और एग होता है या ओवरी में एग होता है जो, वो भी हैप्लॉयड होता है, जब दोनों मिलते हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, दिस इज अस। ओके, तो हाफ ऑफ योर जेनेटिक मेकअप कम्स फ्रॉम योर फादर, हाफ यू कम फ्रॉम योर मदर, दैट बिकम्स यू, ठीक है जी। ओके, अब ये 2n बना है, आपको क्या लगता है 2n बन गया तो एक सेल ही होता है एक तरह का, है ना। आपने अंडा देखा कभी, अंडा है ना, तो उसका जो व्हाइट पोर्शन होता है समझो, ठीक है, दैट बिकम्स योर एक्टोडर्म, जो अंदर वाला पोर्शन है एग योक, दैट बिकम्स योर कैविटी, समझो उसको। जब ये एक क्या कहते हैं, एक 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 सेल है, अभी 2n बना, जाइगोट बना है, दिस 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 जाइ इज दिस इज नोन एज जाइगोट एज वेल।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल जब मिल जाते हैं, दैट मीन्स, अभी बताता हूँ बेटा अभी, नो नो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है सारा जी, बताता हूँ। तो जो टू एन होता है दैट बिकम जाइगोट। अब जो जाइगोट बना है इसमें क्या नई चीज आ गई है, इसमें टू एन कंपोजिशन आ गई है, यानी कि हाफ तो इसमें पहले ही था, एन तो पहले ही था, एक एन और जुड़ गया है, मतलब हाफ ऑफ द जेनेटिक मेकअप मिक्सअप हो गया है। अब जब ये बन गया है तो ये जो साइड में सेल बन जाएंगे, याद है, ठीक है। अब ये वाली जो ओपनिंग है, लेट मी शो इन अ डिफरेंट कलर, ये वाली, दिस ब्लू कलर, ये एक ओपनिंग है, इसका है गैप, यही आपका बाद में जाके बनाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, समझ लग रही बेटा मेरा, डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कनाल, समझ लो, यहां से कनेक्टेड है आपका पूरा एनस तक, तो माउथ एंड एनस, वहां के बीच में जो एलिमेंट्री कनाल है, जो गैप बना हुआ है, दैट इज योर दिस पार्ट, यही आके जाके बनाएगा, और इसको जो सेल्स ने ढका हुआ है, लेट मी शो इन अ डिफरेंट कलर, उनका नाम है, क्योंकि ये अंदर की तरफ है तो एंडोडर्म, ये मैं आपको जो येलो कलर के बता रहा हूं, दीज आर आर एंडोडर्म्स, एवरीवन गॉट इट, समय लग गया, एंडोडर्म। और ये जो बाहर वाले हैं, दिस वन, लेट मी शो इन डिफरेंट कलर, दिस वन आर यू, सॉरी, दिस वन इज योर, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, ये है एक्टोडर्म, क्या है ये, एक्टोडर्म, गॉट इट, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, ये जो ब्लू वाले, ठीक है ना, तो वी कॉल देम एज अंदर की तरफ है तो एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, एक्सो मतलब बाहर या एक्टो मतलब बाहर, ठीक है, एंडो मतलब अंदर, अंदर किसको कवर कर रहा है, एंडोडर्म किसको कवर कर रहा है, कैवर्टी को, ठीक है ना, कैवर्टी को, इसको इंग्लिश कौन सी, हम जो बायोलॉजिकल टर्म क्या है, सिलोएम, डन, गुड, सीलम, ठीक है ना। अब होता क्या है, बिटवीन दिस टू थिंग्स, बिटवीन दिस टू लेयर्स इज अ गैप, दिस वन दिख रहा आपको ब्लू ब्लू सा, बिटवीन दिस टू लेयर इज अ गैप, सो माइंड माई, थोड़ी ड्राइंग को थोड़ा सा ध्यान देखो, तभी मैं कलर डिफरेंट कर देता हूँ, ये जो ग्रीन वाला है ना बेटा, बिटवीन द स्पेस बिटवीन द एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है, जब ये सेल से भरी होएगी, और सेल भी कौन से, मीजो से, इसको नाम है पहले तो समझो मीजोडर्म, डन, जब ये तीन लेयरें होएंगी तो हम उसको बोलेंगे दैट पर्सन इज ए सीलम, सीलोमेट, ठीक है ना, उसके अंदर एक सीलम है, ठीक है जी, ओके, एवरीवन गॉट इट, तो तीन लेयर से होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर से बंदा बनता है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक, प्लैटी हेलेंथिस से ऊपर हम देखेंगे कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक, उनमें डिस्टिंक्ट थ्री लेयर्स बनती है, ओके। अब ध्यान से सुनो, जब ये तीन लेयर्स होंगी, ये जब से, अभी इसको बनाना है बच्चा, और बच्चे से बनेगा एक आदमी, ठीक है, सोचो जो बाहर वाली है आपकी, हमेशा याद रखो, लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ दैट, लेट मी शो यू, एक मिनट एक मिनट, हाँ ये दिख रहा, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू यू गाइस, एक मिनट बस, एक मिनट, आर यू सीन द स्क्रीन नाउ, ओके, नाउ लेट मी शेयर यू समथिंग, या लाइक दिस, आर यू सीइंग दिस, आर यू सीइंग दिस पेज, दिख रहा है बेटा, दिखा था अभी, यस, टेक ए स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, टेक ए स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, ओके, इसमें देखो ये लिखा हुआ एंडोडर्म लिखा, एंडोडर्म मीजोडर्म एक्टोडर्म, ये एक्सटर्नल लेयर है, ये इंटरनल लेयर है, ये मिडल लेयर है, ठीक है ना, एक्टो बाहर, एंडो अंदर, और मिडल में क्या आएगा आपका, मीजोडर्म, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पे जो एक्टोडर्म है, जो बाहर वाले सेल्स है, वो आपका बनाते हैं एक्सोस्केलेटन, ये बाहर वाला हिस्सा, देख रहे हो, आपकी हड्डियां होगी, स्किन के सेल होंगे, पिगमेंट के सेल होंगे, ये सारा कौन बना रहा है आपका, एक्टोडर्म मतलब
ये सारा एक लेयर से बन रहा है, उस लेयर का क्या नाम है? ध्यान दीजिए हमेशा, उस लेयर का नाम क्या है? ये देखो, लेट मी शो यू हियर, ये दिख रहा है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म आपका क्या बना रहा है? जो बाहर वाली बॉडी है, सारे का सारा बाहर वाला पिंजरा बना रहा है। और ये पिंजरा कैसे बनेगा? अभी ये सारे सेल्स डिवाइड होंगे, डिवाइड होके और डिफरेंशिएट होंगे, और डिफरेंशिएट होके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये जो बाहर आपकी हड्डियां हैं, आपकी स्किन है, आपका न्यूरॉन सिस्टम है, ये सारे कहाँ से डिराइव होते हैं आपके पास? ये सारे आपके पास डिराइव होते हैं, ये स्किन के सेल्स हैं। आपके कलर किस प्रकार का होगा सेल का, वो कौन डिसाइड करता है, वो कहाँ से बनता है, मतलब एक्टोडर्म। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब इसके बीच में अंदर वाली, सबसे अंदर वाली लेयर की बात करें, जो कि एलिमेंट्री कनाल को कवर कर रही है। तो सारे के सारे थायराइड के सेल, लंग के सेल, किडनी के सेल, हमने पढ़े थे ना नेफ्रॉन और एल्वियोलाई, और डाइजेस्टिव सिस्टम है, पैनक्रियाटिक सेल्स पढ़े थे हमने, जो वो बनाते हैं आईलेट ऑफ लैंगहैंस, जो इंसुलिन बनाते हैं, ग्लूकागोन बनाते हैं, वो सेल्स पढ़े थे ना, कि हमने आपको बोला था कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन है। वो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, जो कि कवर करती है आपके एलिमेंट्री कनाल को, याद रखिए उसका क्या नाम है? एंडोडर्म। और इस फिगर में देखो, यस एंडोडर्मल एनरिचर, इस टर्म में ये ब्लू का दिख रहा है, ब्लू को जो कवर कर रहा था येलो येलो, इसका नाम रखा था हमने एंडोडर्म। और ये ब्लू क्या था, मैंने आपको बताया था, ये आपकी एलिमेंट्री कनाल है, याद रखो। ये एक अकेला ऐसा एलिमेंट्री कनाल है जिसको कवर करने के लिए आपके पास जो सेल लगे हैं, सबसे अंदर वाले पासे में, सबसे अंदर वाले पासे जहां पे गैप है, जहां पे आपका स्कैविटी है, एलिमेंट्री कनाल है, उसको कवर करने के लिए जो आपके पास सेल होंगे उनका नाम होगा, या वो जो स्पेशलाइज सेल्स होंगे उनका नाम होगा एंडोडर्म। सभी ऑर्गन्स के अंदर वाले हिस्से, सबसे बेसिक यूनिट जो होता है, जो काम करता है, वो किससे बना होता है, याद रखिए, हमेशा याद रखिए, मोस्टली ऑर्गन्स का बना होता है थ्रू एंडोडर्म। ठीक है, एवरीवन गॉट दिस? बताइए कि और कुछ क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है इसमें? ठीक है, अब आता है, ध्यान दीजिए, अब आता है इन दोनों के बीच वाली स्पेस। ठीक है, उस स्पेस का क्या नाम है, क्या नाम है बताइए? मीजोडर्म। ओके, तो मीजोडर्म जो होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा मीजोडर्म, सॉरी लेट मी शेयर दिस विद यू, कहाँ पे गया, आर यू सीइंग दिस अगेन? ठीक है, ये दिख रहा है आपको? तो सारे के सारे जो आपकी मांसपेशियां हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, ये जो मांसपेशियां, खास करके MSK जिसको बोलते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल्स, ये सारे मसल्स जो हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम है सारे का सारा, मसल्स का खास करके पार्ट, वो बनता है एम से मसल, एम से मीजोडर्म, ये याद रख लो। ठीक है, डन, गॉट इट? कोई बताने की जरूरत तो नहीं इसमें? सारे के सारे बॉडी के मसल जो है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है जी, कार्डियक मसल हो गया, जितने आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स है, किससे बने हैं? ये मीजोडर्म से बने। आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा, आप लेट मी एंड शेयरिंग, आपको कुछ इस तरह से नहीं लग रहा? देखो ध्यान से, ये आपका बॉडी का पिंजरा बना रहा है जिसका क्या नाम है? एक्टोडर्म। ये आपकी बॉडी की कैविटी बना रही है जिसका नाम है एलिमेंट्री कनाल। उसको जो कवर कर रहे हैं उस वो सेल्स हैं आपके एंडोडर्म, और एंडोडर्म जो है वो आपकी बॉडी के सारे चीफ सेल्स बना रहे हैं। लाइक अगर मैं लंग्स में जाता हूं तो ये बना रहे हैं हमारे एल्वियोलाई, अगर मैं किडनी में जा रहा हूं तो नेफ्रोन, अगर मैं लिवर में जा रहा हूं तो हेपेटोसाइट्स, अगर मैं गैस्ट्रिक में या डाइजेस्टिव सिस्टम में या लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा हूं तो अंदर वाले जो सेल्स जो थे उसके साथ में लगे हुए, वो सारे कौन बना रहा है? एंडोडर्म। अब जो एक्टोडर्म है और एंडोडर्म के बीच में जो जगह है, सारी की सारी खाली जो जगह है, हमेशा याद रखिए, वो कौन बना रहा है? वो आपका बना रहा है मीजोडर्म। ठीक है जी, ये तो ह्यूमंस की बात होगी। अब उसके बीच में क्या आता है? मांसपेशियां नहीं आती हमारी, खुद देख लो, हड्डी है, हड्डी के साथ में मांसपेशियां होती है हमेशा, मांसपेशियां तो आपकी हर बॉडी में, हर पासे में होती है। ठीक है ना, तो ये जो मांसपेशियां हैं, ये कौन बना रहा है आपका? ये आपका बना रहा है मीजोडर्म। ओके,
समझ गए, स्पेशलाइजेशन हो जाती है हमारे पे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, लेट मी शो यू इन 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 अ वेरी गुड फॉर्मेट। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको इतना समय, ये तो समय लग रहा है ना आप। ये कैविटी है, ठीक है, कैविटी ये सब में होती है, सोचो ये कैविटी सब में होती है, जो अंदर अंदर वाली कैविटी होती है जब आपका सम, तो एक पॉरीफेरा में है उसमें भी कैविटी होगी, लेकिन इसको जो कवर करता है, इस कैविटी को कवर करता है, उसका क्या नाम है, एंडोडर्म, हमेशा याद रखो, और बाहर वाले का एक्टोडर्म। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो अभी पिंक सी जगह दिख रही है आपको, आर यू गोना सीइंग दिस, दिस इज योर मीजो, नॉट मीजोडर्म, दिस इज योर मीजोग्लिया। मीजोग्लिया क्या होता है, हमेशा याद रखो बेटा, मीजोग्लिया होता है, ये देखो लिखा होगा यहाँ पे, लेट मी शो यू, नॉन लिविंग लेयर, ठीक है ना, यानी कि ये वाले वो चीजें होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर होती है जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं। मतलब सेल्स तो होते हैं यहाँ पे, टिश्यू नहीं बनता है उनसे, लेकिन सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते, वो जेली लाइक एक मटीरियल शो होते हैं, उस जेली लाइक मटीरियल का क्या नाम है, क्योंकि मीजोडर्म में पड़ा हुआ तो मीजोग्लिया, ठीक है। लेकिन हायर ऑर्डर यानी कि प्लेटी हेलमिंथिस से ऊपर लेके जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास आएंगे, ठीक है ना, तो वो होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इसमें डिस्टिंक्ट थ्री लेयर्स होंगी आपके पास, ये दिख रहा है आपको, ये कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी, ठीक है, उसको बाहर में एंडोडर्म, उसके बाहर रेड वाला एक्टो मीजोडर्म, और उस सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म, ठीक है, डन, लग गई समझ। तो अगर जेली वाला मटेरियल पारा और कोई सेल्स डिफरेंशिएट नहीं हो रहे वहां पे, तो उसको नाम दे दिया हमने डिप्लोब्लास्टिक, जो जिसमें तीन डिस्टिंक्ट लेयर्स बनती हैं उसमें हमने बोल दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक। एवरीवन इट इज दैट इजी टू रिमेम्बर, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज, कैविटी किसको बोलेंगे या सीलम किसको बोलेंगे, बॉडी कैविटी किसको बोलेंगे, देखो बॉडी कैविटी का मतलब ये नहीं, ये कैविटी नहीं है, एलिमेंट्री कनाल है ये सारे का सारा। कैविटी हम बोलेंगे जब ये सारे ऑर्गन बाहर निकल जाएंगे, तो खाली जगह, ये सारी खाली जगह हो जाएगी ना, एक पिंजरा सा बन जाएगी, इसको बोलेंगे हम सीलम, ठीक है। अब ये सीलम जो होती है ये सारे के सारे आपके ऑर्गन्स बनाती है, ये देखो ऑर्गन्स बना रही है आपके, ये आपका पेरिटोनियम का कवर हो गया, कवरिंग होती है इनकी, ठीक है ना, यस। अरे बेटा माइटोसिस एंड मियोसिस इज द वे विच दिस सेल डिवाइड, अभी एक इस प्रकार का सेल है, एक सेल है, अभी डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, साइज ग्रो हो रहा है, देखा, और आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा हो रहा होता है 9 महीने लगते हैं, तो एकदम से पेट बाहर नहीं आ जाता, धीरे 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 साइज बढ़ता है उसका, ठीक है ना, तो साइज बढ़ रहा है तो उसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएट हो रहे, ठीक है, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, बट दिस इज कंट्रोल्ड डिफरेंशिएशन। अगर यही चीज अनकंट्रोल्ड हो जाए तो हम उसको कैंसर बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। इफ दैट थिंग इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, बॉडीज न्यूरल न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल, दैट विल गो ऑन डिवाइडिंग 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 एट ए रैपिड पेस एंड दैट विल बी आउट ऑफ योर बॉडीज कंट्रोल, दैट इज नोन एज कैंसर, दैट इज अनदर डिफरेंट टॉपिक ऑल टूगेदर, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये आपके पास कंट्रोल्ड फैशन से डिवीजन हो रही है। अब ये क्या कर रहा है, देखो मीजोडर्म है यहां से, और यहां से क्या बना रहा है, ये खाली कैविटी को पूरा करेगा, समझ रहे हो, हमने पढ़ी थी डाइजेस्टिव, हमने पढ़ी थी थोरेसिक कैविटी, हमने पढ़ी थी एब्डोमिनल कैविटी, मैंने बोला था कैविटी का क्या मतलब होता है, अगर ये सारे ऑर्गन्स बाहर निकाल कर फेंक दो खाली जगह बचेगी उसका क्या नाम है, कैविटी, और बाहर इसके क्या है, स्किन, और जो एंडो ये एक्टोडर्म बन जाएगी, अगर ये कैविटी निकाल दो सारे के सारे ऑर्गन्स निकाल दो तो क्या बन जाएंगे, ये मीजोडर्म बन जाएगी, और ये जो कैविटी आ रही है इसकी जो लाइनिंग होगी वो क्या बन जाएगी, एंडोडर्म। आर यू गेटिंग टू नो दिस थिंग, नाउ इट्स इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन, समझ रहे हो, गुड गुड गुड। तो मेरे को बताओ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो नाड़ियां हैं, जो आपकी वेन्स हैं, जो आपका सेल्स हैं, वो कौन से किस लेयर से बनते हैं, याद रखना, दैट फॉर्म फ्रॉम मीजोडर्म, नॉट एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का तो मैंने आपको बता दिया, एंडोडर्म का तो आपको मैंने बता दिया, जो अंदर वाली लेयर है एलिमेंट्री कनाल के राउंड वो सारा बनाएगी,
ठीक है, तो लेट अस डिवाइड द फोर्थ टॉपिक इज सिलोम। इट्स कैविटी इज लाइंड बाय द मेसोडर्म। ऑफ कोर्स ये सिलोम है, इसकी कैविटी, सिलोम किसको बोलेंगे, कैविटी किसको बोलेंगे हम, ये अंदर वाली कैविटी की नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये बाहर वाली जो कि मेसोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में, सॉरी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो जगह है, खाली जगह है, अगर मैं सारे के सारे और को बाहर निकाल के फेंकता हूं तो मेरे पास जो कैविटी बनती है दैट इज सिलोम। अब ये कैविटी को भरने के लिए, ठीक है ना, इट इज सीन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। गट वॉल मतलब आपके एलिमेंट्री कैनाल, उसकी वॉल के दोनों के बीच में जो खाली जगह है, जो आपकी ऑर्गन से भरी हुई है, सारे के सारे ऑर्गन से बनी हुई है, दैट इज योर सिलोम। सिलोम सेपरेट्स मसल्स ऑफ गट एंड द बॉडी वॉल, ये हमेशा याद रखो। तो मसल्स ऑफ गट एंड बॉडी वॉल, बॉडी वॉल इज योर स्किन, दिस वन आउटर स्किन, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में जो जगह है दैट इज योर मेसोडर्म, ओके, दैट इज योर सिलोम। तो ये डिपेंडिंग अपॉन तीन तरह के प्रजातियों में हमें डिवाइड करते हैं, सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स एंड स्यूडो सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स का मतलब जिसमें ये वाली मेसोडर्म नहीं होती है, स्यूडो सिलोमेट्स जिसमें होती है लेकिन उसमें प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं होता है, ठीक है, और सिलो सिलोमेट्स मतलब, सिलोमेट्स मतलब जिनमें ये कैविटी होती है, फॉल्स भी बोलते हैं, यस, ट्रू सिलोमेट्स। ठीक है जी, डन। नाउ लेट मी अगेन एक्सप्लेन दिस फॉर यू सम पीपल, अगर जिसको नहीं समझ लग रहा, ये देखो समझ लग रहा, ये सीलम मतलब नो सीलम, फाल सीलम और ट्रू सीलम। जो ए सिलोमेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स, यानी कि पैरेन्काइमा। बॉडी वॉल, गट वॉल, डाइजेस्टिव वॉल, डाइजेस्टिव मतलब जो एक बीच में खाली जगह है उसके बीच में क्या भरा हुआ है, जेल लाइक मटेरियल भरा हुआ, मैट्रिक्स भरी हुई है, पैरेन्काइमा भरा हुआ है लेकिन कोई भी टिश्यू नहीं भरा हुआ। जब यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो पोरीफेरा से लेके प्लैटी हेलमेंथिस तक, प्लैटी हेलमेंथ से पहले पहले आपके पास आएगा सारे का सारा ए सिलोमेट। डन। तो पोरीफेरा जीपी पढ़ेंगे, स्नाइडेरिया हम पढ़ेंगे, स्टीनोफोरा पढ़ेंगे आज ही हम, तो ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर ए सिलोमेट्स, दे डू नॉट हैव। और जो ए सिलोमेट्स होंगे वो अपने आप क्या बन जाएंगे बताओ मेरे को, डिप्लोब्लास्ट, क्योंकि दो ही लेयर है ना, तीसरी लेयर तो है नहीं यहाँ पे, आर यू गेटिंग दिस वन, ओके, दो ही लेयर हैं, डन, ओके। सीडो सिलोमेट्स कौन से होते हैं, हेयर द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय ए मीजोडर्म, तो मीजोडर्म यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, तो मीजोडर्म जो होती है, जो बीच में जो कैविटी बनी है मीजो मीजो मीजोक्लिया की, दैट इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्मिक एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथीलियम, मीजोडर्मल एपिथीलियम यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे तो जेल होती है ना, या मैट्रिक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पे ये नहीं होता है, ठीक है, किसी और सेल से बनती है, ठीक है। तो मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस में होता है, ये देखो पूरा अलग से कैविटी नहीं होती, स्कैटर्ड पाउचेस में होता है, ये एशल मेंथेस इसमें आते हैं एग्जाम्पल। सीलोमेट्स तो उसके बाद आपको पता है, एनीलिया से लेके कोर डाटा तक हमारे के सारे टू सीलम्स होते हैं, ठीक है। सीलम इज लाइंड बाय द पेरिटोनियल लेयर एंड इज फिल्ड विद सीलेमिक फ्लूइड। अच्छा ये बात सुनो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सीलेमिक फ्लूइड क्या होता है, लेट मी शो यू। जैसे ए सीलोमेट्स होते हैं, ये देखो प्लैटी हेलमेंथिस तक, ये देखो इसमें क्या है, बाहर वाला एक्टोडर्म, अगर इसको काटते हैं, उसको काटते हैं बिल्कुल बीच में से काटते हैं, हम इस तरह से उठा के देख रहे हैं, तो बाहर वाली क्या हो जाएगी, एक्टोडर्म, ठीक है, ये अंदर वाला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, सेल लेवल या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग, कोई ऑर्गन नहीं है, समझ लो कोई ऑर्गन नहीं, ठीक है। जब ऑर्गन नहीं है तो सीधी सी याद बात रखो, दैट इज ए सीलम, ठीक है, ओके, डन। फिर हम करते हैं फॉल सीलम, ये एशल मेंथिस में ही आता है, बस इतना याद रखो कि इसमें है तो है मेसोडर्म, पर पाउचिस में है, कुछ है यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, पाउचिस में है, पूरा जगह पे खाली भरा नहीं हुआ, पाउचिस में है। जब ये छोटे छोटे पाउचिस में बनेगा, स्कैटर्ड पाउचिस में बनेगा, तो हम उसको बोलेंगे सीलोमेट्स, स्यूडो सीलोमेट्स, ठीक है। ट्रू सीलोमिक, जैसे आपका जो गंडोया होता है, जो अर्थ वॉर्म होता है, अगर आप उसको काट के देखते हो, निकाल के देखते हो उसके साइड से, तो सिलोम अराउज फ्रॉम दी मीजोडर्म,
ओके, इसमें पेरिटोनियल लेयर होती है, लेट मी शो यू, ये दिख रहा है आपको सारे का सारा, ये खाली खाली जगह दिख रही है सिलोएम, यहाँ पे क्या पड़ा होता है आपका, लंग्स, याद है मैंने लंग्स की एक कवरिंग करवाई थी, क्या होता है लंग्स की कवरिंग का क्या नाम होता है, जब मैंने आपको बताया था, यस बहुत बढ़िया, प्लूरा, प्लूरा, तो वो प्लूरा मैंने आपको बताया था दो तरह की होती है, विस्लर प्लूरा एंड पेरेटल प्लूरा, दो तरह की होती है, और मैंने आपको बताया था कि भाई जब ये प्लूरा होएगी, खुद सोचो इसका क्या फायदा होगा, आपको मैंने बताया था कि अगर एक ऑर्गन को आप लिफाफे में सस्पेंड करो, लिफाफे में डालो, ठीक है ना, उसको पानी से भर दो, ठीक है ना, उस लिफाफे को, अब उसको पंच करो, क्या उतनी डिस्ट्रक्शन होएगी अगर वो सिंपल आप एक 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 ऑर्गन को सीधा मुक्का मार रहे हो और एक ऑर्गन को पानी में सस्पेंड किया हुआ, लिक्विड में सस्पेंड किया हुआ, ठीक है ना, यस इट विल प्रिवेंट योर ऑर्गन फ्रॉम एक्सेसिव जर्किंग, हाई ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है ना, याद है करवाया था, और मैंने एक और भी कराया था, मैंने कहा भाई ये तो हो गया लंग्स का, व्हाट इज कवरिंग ऑफ हार्ट कार्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, हार्ट की कवरिंग को क्या बोला जाता है, कुछ कुछ चलिए चलिए, स्कार नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है बताइए, हार्ट मतलब अब क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियल, बहुत बढ़िया, समय लग गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियम, ठीक है ना, पेरिकार्डियम में फिर विस्लर और प्लूरल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मतलब इज अ कवरिंग ऑफ योर दैट, अच्छा इसके बाद एक कॉमन यहाँ पे एक शीट आती है, शीट मतलब कॉमन कवरिंग आती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर को कवर करती है, उसका क्या नाम है, जैसे आपने वहां पे पढ़ा डायफ्रागम, नहीं, वो तो एक कवरिंग आती है ना बेटा, वो तो ऊपर नीचे होती है, एक कॉमन शीट आती है, एक लिफाफा सा आता है जिसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, उसका नाम है पेरिटोनियम, हमेशा याद रखो, पेरिटोनियम मतलब पूरे का पूरा एब्डोमिनल कैविटी को ये पेरिटोनियम कवर करेगा, ठीक है, तो ये जो कवरिंग होती है मैंने आपको करवा दी है, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियल, और इसी तरह ब्रेन की कवरिंग भी होती है, उसमें मनिंजिस बोलते हैं, मनिंजिस, मनिंजिस, ठीक है ना, तो मनिंजिस का मतलब होता है जो ब्रेन की कवरिंग होती है, तीन लेयर होती है, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड अरेकनॉइड मैटर, वी विल डिस्कस दिस थिंग्स आगे जैसे जाते हैं हम, ग्रे मैटर इज नथिंग, वो कुछ अलग का चीज, ठीक है ना, दैट कम्स इन द कॉर्टेक्स, लेकिन ये इसको कवर करती है, ब्रेन की कवरिंग तीन प्रकार की होती है, याद रखो, उनका नाम है मनिंजिस, ठीक है ना, ओके, तो ये जो कवरिंग है फंक्शन ऑफ द लंग, इसमें जो लिक्विड होता है क्या होता है, इट अकोमोडेट्स विसरल ऑर्गन्स, विसरल मतलब जो आपके बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है ना, उनको अकोमोडेट करता है, ये कैविटी कहां से बनती है, प्लूरा कहां से बनती है, दे ऑल आर फॉर्म्ड फ्रॉम मीसोडर्म, लग गई समझ, अगे समय तो प्लूरा, प्लूरल कैविटी, और जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है ऑर्गन का कौन बनाता है, मीजोडम, लेकिन कोई भी ऑर्गन होगा, मोस्टली जो ऑर्गन है आप में, उसमें एक सेल्स होते हैं, मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम यू एल्वियोलाई, व्हाट इज एल्वियोलाई, फॉर्म्ड ऑफ योर एंडोडर्म, नॉट योर मीजोडर्म, लग गई समझ, तो उनमें जो एंडोडर्म होता है, एंडोडर्म क्या बनाता है, आपके स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाता है, यानी कि आपके एल्वियोलाई है वो किससे बनेंगे, एंडोडर्म से, आपका जो क्या बनेगा विस्लर पूरा वो कहां से बनेगा, आपका मीजोडर्म से, लेकिन इनके ऊपर जो रिब्स हैं, पता है आपको इसके ऊपर रिब्स का शिकंजा होता है पूरे का पूरा, याद हमने रिब्स पढ़ी थी, अब रिब्स कौन फॉर्म कर रहा है भैया ये बता दो, लग गई समझ, अब नाउ इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो पहले आप हड्डियों की तरफ जाओगे तो हड्डियां और स्किन की तरफ जाओगे तो वो इज दैट विल बी फाउंड बाय एक्टोडर्म, उसके बाद जाओगे क्या आएगा, प्लूरल कैविटी या प्लूरल प्लूरा, तो प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ योर लंग्स, तो वो किससे बनेगी, मीजोडर्म से, उसके बाद अगर आप लंग्स में जाते हो तो लंग्स में जाते हो तो आपको स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट देखने को मिलेगा, अब यो जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है खुद सोचो वो किससे बनेगा, एंडोडर्म से, तो कोई बहुत बड़ी बात है, अब ये देखो शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है जो फ्लूइड होता है सिलोएम का, ठीक है ना, तो सिलोएम का फ्लूइड इसको सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं, लेकिन सीलम में अगर वो लंग्स में है तो हम उसको प्लूरल बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे, अगर वो है क्या कहते हैं आपके
क्या कहते हैं, हार्ट में है तो हम उसको पेरिकार्डियम बोलेंगे, अगर आपके एब्डोमिनल कैविटी में है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेरिटोन। लग गई समझ? तो एकदम से आपको कोई पेट में मुक्का मार देता तो आपकी आंतड़ियां इंजर नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पे फ्लूइड बड़ा होता है, फ्लूइड कंप्रेस हो जाता है, और इसी कारणवश इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है आपकी बॉडी में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? ओके, तो कोई कैन वी डिफरेंशिएट दीज पॉइंट्स नाउ? व्हाट इज सिलोएम, व्हाट इज जर्मिनल एम्ब्रियोनिक लेयर, व्हाट इज मेटामेरिज्म? लेट मी शो यू व्हाट इज मेटामेरिज्म एंड नोटोकोड, फिर हमारा सीधा आगे चलेंगे इसके बाद। मेटामेरिज्म क्या होता है ये देखो, दिख रहा है आपको सेगमेंटेशन, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा, पांच डब्बा, छह डब्बा, हाँ कन खजूरा भी होता है जो, ठीक है ना, जो ये सेंटीपीड्स होते हैं, अर्थवर्म होता है, ये सेगमेंटेशन होती है, रिपीटेड यूनिट्स इसको बोला है, जो रिपीट करते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी होती है वैसे रिपीट होता है, तो दैट इज मेटामेरिजम्स, ठीक है ना, मिलीपीड, सेंटीपीड्स, यस बिल्कुल। तो एनिलीड्स इसको बोलते हैं, एनिलिडा। किंगडम कौन सा है इनका, सॉरी फाइला कौन सा है इनका, एनिलिडा, हम आगे जाके पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोड्स भी इसी में आते हैं, केकड़े हो गए, ठीक है ना, केकड़े हो गए, ये वाले सारा हो गए, सेगमेंटेशन में जो डिवाइड होते हैं आर्थ्रोपोडा और एनिलिड्स, दे कम अंडर द कैटेगराइजेशन ऑफ मेटामेरिज्म। नाउ अगर मैं आप सीधा मेटामेरिज्म बोलूंगा, मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है ये बाद में, ठीक है, अभी पूछना है तो पूछ लो। प्रॉन्स, यस बिल्कुल सही बात। अच्छा ये देखो, इसके बाद क्या होता है, लेट मी शो यू होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड, नोटो कॉर्ड। अच्छा व्हाट इज नोटो कॉर्ड, व्हाट इज नोटो कॉर्ड, बताइए किसी को पता? अब देखो ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, या वेरी गुड सुमन, लेट अब इसको समझ लो, मेटामेरिज्म। अच्छा मैं कर देता हूँ सोफिया एक बार, अभी ये ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो नोटो कोड होता क्या है, नोटो कोड होता है ये देखो, जब ये बच्चा, ये एम्ब्रियो है ना, ये एम्ब्रियो, ये तो सबने लग रहा है बच्चा भी, ठीक है ना, जब एम्ब्रियो हो रहा है, अब ये एम्ब्रियो बन गया है, पहले जाइगोट था, जाइगोट से हमने डिवाइड किया तीन लेयर्स में, तीन लेयर मतलब ट्रिप्लोप्लास्टिक बना, तीन डिफरेंट लेयर्स, आगे जाके क्या बना रहे, टिश्यू बना रहे हैं, वो एम्ब्रियोम है, अभी बच्चा माँ के अंदर है, ये आपकी आंख दिखनी शुरू हो जाएगी थोड़े थोड़े में, 3 वीक्स, फिर 4 3 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स, फिर 9 मंथ्स में आपको दिखना शुरू होगा। ये जो है ये आगे जाके बनाएगा आपका जो ब्रेन, ये जो आपको बनाएगा, ये दिख रहा है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है ये, स्पाइनल कॉर्ड, ये दिख रहा है आपको येलो येलो सा, ये आपका बनाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लग समझ रहा आपको, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाएगा, इन दोनों के बीच में, लेट मी रिमूव दीज थिंग्स, ठीक है ना, दीज लाइंस रिमूव करने दो, इन दोनों के बीच में, ये वाले बीच में और इनके दोनों के बीच में एक लाइन आती है, ये पिंक कलर की लाइन है, इसका नाम है नोटोकोड। नोटोकोड आगे जाके आपका स्पाइन बनाएगा, नॉट स्पाइनल कॉर्ड, ये रिमेंबर दीज थिंग, स्पाइन तो स्पाइनल कॉर्ड तो आपकी ऑलरेडी दिस ये बन चुकी है, ये नहीं चेंज होगी, ये आपका जाके ये शिकंजा नहीं, रीढ़ की हड्डी वाला बनना है, जिसको मणके बोलते हो आप पंजाबी में, तो मणके बोलते हो, आई डोंट नो व्हाट इज इट इज कॉल्ड इन इन हिंदी, ठीक है ना, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, ये देखो ये दिस इज स्पाइनस प्रोसेस, और इसके बीच में जो कैविटी है दैट इज योर स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड, समझो, ये शिकंजा बन जाता है इस प्रकार से, इस तरह से आप देखोगे। तो लेट मी शो यू, लेट मी शो यू बेटा, देखो फिर से हम हवन की सामग्री निकालते हैं, देखो देख रहा है, एवन इस टाइम ओरिजिनल देख लो,
दिख रहा है? तो वेयर इज द स्पाइनल कॉर्ड हियर? दिस इज योर मन का, इन इंग्लिश अगर आप बात करते हो, इन हिंदी सॉरी, दिस इज योर स्पाइन, नॉट स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइन कॉर्ड इज कमिंग फ्रॉम हियर, जिसमें मेरी उंगली जा रही है अभी, दिख रहा है आपको दिस वन. तो यहां से आपकी जो कैविटी है, इससे आपकी आती है स्पाइनल कॉर्ड. और ये जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको स्पाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड को एक हड्डियों वाला ढांचा बनाया जाता है, इसका जो है ही आपकी बाद में बनती है नोटों को. लग गया समझ? गुड, इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, तो आपका ये भी क्लियर हो गया व्हाट इज नोटोकोड. ठीक है, एनिमल्स विद नोटोकोड आर कॉल्ड कोडेट्स, जिनके पास नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? नॉन कोडेट्स. डन, चलिए चलिए चलिए. तो अब आपको ये बेसिक हमने जो क्राइटेरिया किया है, तो ये समझ लगना शुरू हो चुका है आपको. व्हाट इज फाइलम है, तो पॉरीफेरा में क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जर्म लेयर्स कौन सी होती है, सिमिट्री कौन सी है, सिलोएम कौन सा है, और क्या इसके बाद हम जैसे आगे जाएंगे तो वी विल आल्सो डिस्कस व्हाट इज नोटोकोड, नोटोकोड है कि नहीं है, ये भी हम दिखाई देंगे. जो आपका अब आपको नोटोकोड किसको प्रोटेक्ट करता है बताइए, आपके नर्वस सिस्टम को. तो नर्वस सिस्टम एक डिफरेंशिएटेड जब बनेगा तो वो हायर ऑर्डर का बींग होगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है ना? तो ये देखो, जैसे अभी हम ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे भी. लेट अस स्टार्ट नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा. फाइलम पॉरीफेरा बिल्कुल सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई टिश्यू यूनिफॉर्मेशन नहीं होती है अभी इस लेवल पे. तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें हम ये 11 चीजों के बारे में पढ़ेंगे. क्या इसमें कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बॉडी सिमेट्री है, जर्मिनल लेयर क्या है, कॉलम सिलोएम कौन सी है, हैबिटेट कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी या रिप्रोडक्शन, ये तीन सिस्टम क्या है या नहीं है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करता है, यूनिक फीचर्स क्या है और एग्जाम्पल क्या है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इट्स इजी नाउ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिकॉज वी हैव डन मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स. देखो आप, जितने भी हमने चीजें पढ़ी हैं, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डन नाउ, तो आपको क्या लगता है? फर्स्ट वी विल हैव एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स, ये बताओ. ए सिलोमेट्स, स्यूडो सिलोमेट्स या सिलम? सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में क्या आएगा? यस, इट्स लॉजिकल थिंग ना, ए सिलोमेट देन स्यूडो सिलोमेट देन सिलोमेट्स. ठीक है, अब बताओ रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री में पहले कौन आएगा, रेडियल आएगा या बाइलेटरल आएगा या एसिमेट्रिकल आएगा? सबसे पहले आएगा एसिमेट्रिकल, ठीक है, फिर आएगा रेडियल और सबसे लास्ट में आएगा बाइलेटरल. जब बाइलेटरल आ रहा है आपका तो समझ लो हायर लेवल ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं हम. ठीक है ना, डन. इसी तरह आप बताओ, पहले डिप्लोब्लास्टिक आएगा या ट्रिप्लोब्लास्टिक आएगा? डिप्लोब्लास्टिक आएगा ऑफ कोर्स, है ना. तो दो लेवल है, फिर उसके में स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, मेसोडर्म अलग से बनना शुरू हो जाएगा, तब हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे. और सेलुलर लेवल आएगा कि ऑर्गन सिस्टम पहले आएगा? आर यू नो दिस थिंग, है ना, समझ रहे हो? इसी तरह से एवोल्यूशन होता है, इसी तरह से समझना है आपने. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी हम इसी प्रकार से करेंगे आगे जाके. चलिए, नाउ इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड आई थिंक. लेट अस स्टार्ट अवर फाइलम पॉरीफेरा, लेट अस स्टार्ट विद अवर व्हाट इज अ ग्रे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बड़ा इजी, अब आपने दिमाग नहीं लगाना क्योंकि हमने दिमाग लगा चुके हैं, बस आपने ये चीजें स्लाइड लेते रहो और याद करते जाओ, बस इतना ही पढ़ना है, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें आपको. तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर. आपने स्पंज देखा कभी? स्पंज, ठीक है, वो पानी में रखो, वो पानी अब्सॉर्ब कर लेता है अपने आप में, अंदर कर लेता, उसमें छोटे छोटे पोर बने होते हैं. तो सेम होता है पॉरीफेरा. पॉरीफेरा का क्या मतलब होता है, लेट मी शो यू. पॉरीफेरा का मतलब होता है, याद रखो, पॉरीफेरा मींस, पॉरी का मतलब गैप, या अगर आप करो कि स्पोर, पोर, ठीक है, और फेरा का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स फोर्स, पोर्स मतलब छाननी होती है एक तरह की. तो पोरीफेरा मतलब पोर, जिनमें पोर बने हो, और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, होल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म या पोर कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पोरीफेरा.
पोरीफेरा एक स्पंजेस की तरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिंपल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सिंपलेस्ट होती है, मल्टीसेलुलर होंगे कि नहीं होंगे, यस, डिप्लोब्लास्टिंग होंगे कि नहीं होंगे, यस, क्या ये सिमेट्रिक होंगे कि एसिमेट्रिक होंगे, बताइए, ये सिमेट्रिक होते हैं मोस्टली, ये एसिमेट्रिक होते हैं, क्या ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है तो क्या इसमें मीजोडर्म होगा, नहीं होगा, क्या होगा उसकी जगह पे, मीजोग्लिया, ठीक है, या तो ये एसिमेट्रिक होते हैं या फिर ये रेडियली सिमेट्रिक होते हैं, बस ये दो चीज होते हैं, इसमें बायलेटरल सिमेट्री नहीं आएगी अभी, ठीक है, डन। तो आपने घड़ा देखा कभी, घड़ा तो उस प्रकार से आपने देखा होगा, घड़ा जो घड़ा होता है ये आपको घड़े की तरह दिख रही भी रहे होंगे, है ना, तो ये सारे चीजें होती हैं। अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या इसमें माउथ, लेट मी शो यू फर्स्ट, ओके, तो आपने देखा ये, ये जैसे ये देखो, ये तो आपको सिमेट्रिक लग रहा है, क्या ये सिमेट्रिक लग रहा है आपको किसी प्रकार से, नहीं, क्योंकि ये कहीं से जुड़ा हुआ, कहीं से जुड़ा हुआ है ना, तो कई कई एसिमेट्रिक हो सकते हैं, कई रेडियली सिमेट्रिक हो सकते हैं, बट दे आर नॉट बायलेटरली सिमेट्रिक येट, ओके, डन। अब आगे चलते हैं, तो ये एक हमने पढ़ लिया कि ये सिमेट्री होती है, सिमेट्री पढ़ लिया, जर्म लेयर्स हमने कौन सी कर दी, इसमें क्या लिखूंगा यहाँ पे, इट कैन बी डिप्लोब्लास्टिक, नॉट सिंगुलर बट डिप्लोब्लास्टिक, ओके। What is phloem? A filament. Any question in this part? बताइए. No. Everybody understood ना this concept? Now we move on to another important thing. ये मैंने इसको पोरीफेरा जब नाम दिया था, याद है? तो मैंने कहा था एक माउथ होना चाहिए, हमारे में एक माउथ होता है, एक एनएस होता है, और दोनों को कनेक्ट करने वाला एलिमेंट्री कनाल होता है, ठीक है, सबसे अंदर समझो, एंडोडर्म के अंदर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ डाइजेस्टिव लाइन में, आपको क्या क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट मी शो यू इन अनदर स्लाइड, दिख रहा है आपको ये, तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, इट विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम एबसेंट होगा, लेकिन डाइजेशन एबसेंट नहीं है, डाइजेशन होती है, डाइजेशन क्योंकि यहाँ पे सेलुलर लेवल पे हो रही है, तो किस लेवल पे डाइजेशन होगी, इंट्रासेलुलर लेवल पे, हर एक सेल से जो कलेक्शन ऑफ सेल्स जो है वो अपना क्या कर रहे हैं, सेल लेवल पे डाइजेशन कर रहे हैं, और डाइजेशन ऑर्गन लेवल पे नहीं आएगी, या टिश्यू लेवल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो डाइजेशन प्लेक्स इनसाइड द सेल्स, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, एवरीबॉडी गॉट दिस, या एक कैनाल दिख रहा होगा आपको, लेट मी शो यू सम कैनाल, जो कैनाल होता है इसका, ये दिख रहा है आपको कैनाल, ये सेंट्रल कैविटी जिसका नाम बोला, क्या अब ये करता क्या, पानी कहां से आता है, पानी ऊपर से अंदर की तरफ नहीं आता, पानी आता है ये जो छाननी लगी हुई साइड में, दिख रहा है आपको ये जो जगह है यहाँ पे, ये सेल्स बने आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, ये सेल्स दिख रहे हैं आपको, लेट मी शो यू, दिस आर द सेल्स, ये सारा सेलुलर लेयर है, ठीक है ना, इसके बीच में गैप है, ये देखा गैप है, छोटी छोटी मोरियां छाननी है, ठीक है, छाननी है, तभी इसका नाम क्या रखा, पोरी, पोरी का मतलब था जिनके पोर हो तो पोरी, फेरा मतलब ऑर्गेनिजम्स, तो पोर वाले ऑर्गेनिज्म का क्या नाम रख दिया हमने, पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, तो ये सिंपल हवा जो पानी है ये अंदर से आता है, बाहर से आता है सॉरी, अंदर आता है, छाननियां लगी होती हैं, सेल्स लगे होते हैं, सेल्स क्या अब्सॉर्ब कर लेते हैं, मटेरियल मिनरल फूड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, रेस्पिरेशन भी यही कर लेते हैं, सब कुछ यही कर लेते हैं, पर क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे है, नहीं, क्या इसमें प्रॉपर डेवलप डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, नहीं, क्या इसमें प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है, नहीं, समझ रहे हो, नो बॉडी इज देयर, ठीक है ना, अच्छा ये जो सेंट्रल कैविटी है, अब ये पानी जो अंदर आया था और जो इन्होंने छान के अपना मटेरियल निकाल लिया खाने वाला और रेस्पिरेशन वाला, उसके बाद ये क्या करते हैं, यहां से सीधा बाहर को फेंक देते हैं सारी चीज, ठीक है, ऊपर, तो ओपनिंग सिर्फ एक होती है यहाँ पे, वही इसका माउथ है, वही इसका एनएस है, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएटेड माउथ और एनएस अभी हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो सबसे बेसिक लेवल हमने ऑर्गेनाइजेशन में अभी पढ़ा है, तो ये हमने पढ़ लिया है, ये हो गया, अच्छा इनका हैबिटेट क्या होता है, क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे लैंड पे, नो नेवर, ठीक है ना, क्योंकि इनमें क्या है, पोर्स बने हुए हैं, पोर्स हवा के लिए तो नहीं ना बने हुए, वाटर के लिए बने हुए हैं, वहां से अब्सॉर्ब करते हैं सारी चीजें, तो एक्वाटिक मोस्टली दे विल बी मरीन, दे आर एक्वाटिक, दे आर डिस्टिंक्टली एक्वाटिक, दे आर नॉट इवन एम्फीबियन, ठीक है ना, एम्फीबियन आगे जाके आएगा,
दे आर सेडेंटरी, दे मतलब अटैच होते हैं, मूव नहीं करते हैं। एक बार इनने कहीं पे जाके अपना डेरा ला लिया, ये वहीं पे रहते हैं, ये आगे मूव नहीं करते हैं। सॉलिटरी एंड कॉलोनियल दोनों प्रकार के होते हैं। सॉलिटरी मतलब कल्ले भी रह सकता है बंदा एक, और कॉलोनी बना के, जैसे एक कॉलोनिया बना के रह रहे हैं, ये वाली कॉलोनी होगी, ये वाली कॉलोनी होगी, ये वाली कॉलोनी होगी। आर यू सीइंग दिस थिंग्स? तो दोनों प्रकार से जीवित रह सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू देयर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी दोनों प्रकार से होती है भाई, ये सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। ये सेक्सुअल कैसे होगी, जैसे ये चीज है, ये टूट गई, ये नीचे गिर गया, जहां दिमाग जमीन जो है सख्त है वहां पे जाके चिपक जाएगा और वहां से ऑर्गेनिज्म नया बना देगा। तो फ्रेगमेंटेशन भी होती है, ये सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल से कैसे होती है, ये हर्माफ्रोडाइट होता है। व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ओके सोफिया जी, लग रहा समझ? या बडिंग? बडिंग इसमें अभी आई थिंक वो हाइड्रा में ज्यादा होती है, स्नाइडेरियाज में होती है वो, ठीक है ना? इसमें क्या है, फ्रेगमेंटेशन, टूट के गिर जाता है और वहां से ऑर्गेनिज्म नया हो जाता है, ठीक है? तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, क्या होता है कि एक जो है, लेट मी क्लियर दिस आउट फर्स्ट। तो यहां से क्या कहते हैं, स्पर्म्स जाएंगे, वाटर में स्पर्म्स ट्रेवल करेंगे, दूसरे किसी कॉलोनी में जाएंगे, वहां पे एग होगा, उसको फर्टिलाइज करेंगे। अब ये जो बन गया जाइगोट है, ये लार्वा बन जाएगा, लार्वा बन के जमीन पे बैठ जाएगा, जहां पे सख्त जमीन है वहां पे फिर से एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है? तो वो क्या बनता है, वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, फिर इसका जीवन काल पूरा हो जाता है। तो सेक्सुअल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है? डेवलपमेंट इन इंडायरेक्ट स्टेज, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। ओके इट्स इजी। तो वी हैव डन दिस रिप्रोडक्शन एज वेल। ये दिख रहा है आपको पोर, ठीक है ना? लग रही समझ? हाँ, तो ये पोर जो छाननिया है, ये जो बीच में गैप है, ठीक है ना? वाटर एंटर थ्रू द मीनियन ऑफ, इसको बोलते ओस्टिया। छान, ये जो गैप है इसको बोलते ओस्टिया। और जो कैविटी है उसको स्पंज की है, तो स्पंज और सील बोला जाता है। सील मतलब कैविटी, स्पंज मतलब स्पंज लाइक होते हैं जो, यस, ठीक है ना? ठीक है, इसको ऑस्कुलम भी, ऑस्कुलम किसको बोलते हैं, जहां से बाहर पानी को निकलता है उसको ऑस्कुलम बोलते हैं, ठीक है? कनाल सिस्टम जो होता है, ये जो हवा धीरे धीरे करके, ये कनाल सिस्टम नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, धीरे धीरे पानी यहाँ से गुजरता है और यहाँ पे सेल्स होते हैं, वहां से वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट और इसी कैविटी में ये छोड़ देते हैं अपने एक्सक्रीटरी। क्या यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट छोड़ते हैं? क्या ये एक्सक्रीशन करता है? यस। क्या ये यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? नो। समझ रहे हो, प्रोसेस तो करेगा ही, सेल भी एक्सक्रीशन करता ही है, लेकिन क्या यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा? नहीं। यू गेटिंग दिस पॉइंट ना? तो वाटर पहले बाहर से आता है, फिर ओस्टिया में आता है, ओस्टियो से स्पॉन्जोसील में जाता है, फिर ऑस्कोलम, फिर वाटर आउट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ना? चले आगे, बस बस बस, बहुत है, इतना ही पढ़ना हमने। ये दिख ही रहा होगा आपको, अगर हम इसको निकाल के देखें तो ये जो बीच में जो लिफाफा सा बना हुआ है, इसको अगर हम निकाल के देखें तो ऐसा करके दिख रहा है। ये सेल दिख रहे हैं, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या यहाँ पे टिश्यू बना रहे हैं? नो, देयर विल बी नो टिश्यू फॉर्मेशन। ओके डन। तो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे आपको, ठीक है जी? क्या बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी? नो। सारे स्पंजीज, बाथ स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, साइकॉन, स्काइफा, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे किंगडम पॉरीफेरा में आएंगे, ठीक है? मल्टी सेलुलर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ए सीलो में, डिप्लोब्लास्टिक। क्या है, अब आपको ये टेबल पढ़ना आसान है, बस आपको यही टेबल पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या ये टेबल में सब कुछ कवर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए मेरे को? अब जो डाइवर्सिटी, इतना डिफिकल्ट चैप्टर था आपके लिए, बड़े आराम से एक टेबल में कवर हो जाना, क्योंकि आपने बेसिक्स, आपको सब पता है, ठीक है? इससे बाहर आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्वेश्चन पूछते हैं वो, और वो इसी तरह से पूछते हैं। तो कौन से ये इसमें, कौन से फाइला में आएगा, कौन से उसमें आएगा, डिस्टिंक्टिव फीचर्स के हिसाब से। तो अगर इतना भी कर पा रहे हो आप, यू विल कहीं ना कहीं उसका टांग या पैर पकड़ के आप
उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, दैट इज मोर देन एनफ, इससे बाहर नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट जब चलते हैं, नेक्स्ट फाइलम इज स्नाइडेरिया। स्नाइडेरिया आपको जेलीफिश दिख रही है ये वाली, है ना, तो उसी प्रकार हम डिवाइड करेंगे। अब पहले सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे थी, अब हम टिश्यू लेवल पे आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना, टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। अब ये देख रहा आपको, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल, सिमेट्री इज रेडियल, तो रेडियल मैंने आपको पहले बताया, रेडियल पहले आएगी, उसके बाद क्या आएगी, लग गई समझ, बायलेटरल बाद में आती है। तो जर्म लेयर्स अगेन प्रिमिटिव है, तो डिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम क्या है, एसिलोमेटा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्नाइडेरिया एंड पॉलीफेरा इज टू थिंग्स, एक तो वहां पे सेल लेवल था, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। दूसरा जो मेजर फर्क है वो है इनके रिप्रोडक्टिव फेजेस में, यहाँ पे पॉलियप और मेड्यूसा दो पॉलीमॉर्फिज्म हम पढ़ेंगे क्या होता है, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं, पर ये उनका रिप्रोडक्शन सिंपल है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, सेक्सुअल में बता दिया, दो जो है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता उनको, वो एक ही लेवल पे अपनी फर्टिलाइजेशन करके, कोई डिस्टिंक्ट फेज नहीं आता उसमें, लार्वा आता है और लार्वा से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, डन, ओके, एवरीवन गॉट दिस? अब ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा, अगर मैं इसको इसकी लेयर देख रहा हूं तो इसमें दो डिस्टिंक्ट लेयर बन रही है, कैसी, ये क्या है एक्टोडर्म बाहर वाली, ये क्या है एंडोडर्म, ठीक है, इसके बीच में एक जेल लाइक सब्सटेंस पड़ा, ये क्या है जिसको मैंने रेड रेड किया, क्या पानी, पूछ लो सुखन, या मेसोग्लिया, लग रहा समझ, तो ये डिस्टिंक्टली डिप्लोब्लास्टिक है, यस इट्स अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ओके डन नाउ, कोई डिफिकल्टी यहां पे यहां तक, ओके चलो आगे चलते हैं, फिर हैबिटेट क्या होगा, ऑफ कोर्स जेलीफिश आपको समुद्र आपके फ्रेश वाटर में तो दिखती नहीं है, मोस्टली ये कौन सी होगी, ओशन में होगी, मरीन का मतलब जहां पे भी आता है दैट इज साल्ट वाटर, दैट इज मोस्टली ओशन, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े ओशंस में एक्वाटिक प्लांट्स होंगे, सारे होंगे, सिसाइल होता फिक्स्ड, फिक्स्ड भी होते हैं और फ्री स्विमिंग दोनों ही होंगे, याद है हमने सेडेंटरी पढ़ा था, सेडेंटरी, सेडेंटरी और जो मूवमेंट करते हैं, है ना, लेट लेट मी शो यू, हमने पढ़ा था ना, ये देखो इस स्लाइड में देखो, लेट मी शो यू, सॉलिटरी और कॉलोनियल, सेडेंटरी, पॉरीफेरा जो होता है वो सेडेंटरी ही होगा, ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है, लेकिन जो स्नाइडेरिया है फाइलम वो बहुत क्या है, बोथ इट इज सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग आल्सो, सेसाइल मतलब फिक्स्ड भी होता है और फ्री स्विमिंग मतलब स्विम भी करता है, फिक्स भी हो सकता है और स्विमिंग भी करता है और दोनों भी कर सकता है, ये अभी आप बताऊंगा आज कैसे, सॉलिटरी और कॉलोनियल ये समय लग रहा है, Everyone got this? तो mostly आपने जेलीफिश के बारे में सुना होगा, हाइड्रा के बारे में सुना होगा, किसी ने कोरल रीव्स के बारे में सुना? यूपीएससी का दो साल पहले इससे बहुत प्यार था और ये प्यार दो साल तक चला, बड़े क्वेश्चन आए इस पे, और जब जनता ने कोरल रीव्स के बारे में दो साल लगातार देखा कि क्वेश्चन आ रहे, तीसरे साल भी आएगा, मेरे जैसे बंदे ने कोरल रीव्स की जड़ निकाल दी, अगले साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बड़ा दुख हुआ। तो ऐसा ही होता है, यूपीएससी का प्यार है आपको, यूपीएससी को जहां भी प्यार दिखता है वो बांटना शुरू कर देती है, तो जब हमें पता लगता है या लाइक व्हाट ड्यूरिंग अवर टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ 2011 के पहले नोबडी न्यू अबाउट व्हाट इज इकोनॉमी, क्या आते दो क्वेश्चन आते हैं, कोई बात नहीं कर लेंगे, 2011 में भैया जी इकोनॉमी तो बढ़नी पड़ेगी, फिर अगले साल 2012 में इकोनॉमी का हमने पूरे का पूरा जड़ निकाला, तो अगले साल डाल दिया उन्होंने, भैया आपको तो हिस्ट्री भी आनी चाहिए, आपको तो आर्किटेक्चर भी आना चाहिए, आप डाल दिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अब जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर, भैया ये भी होता है कोई चीज, हम तो बस एंशियंट मॉडर्न और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या डाल दिया भैया आपने, अच्छा चलो वो डाल दिया, वो पढ़ा अगले साल 2013-14 में, इन्होंने क्या किया जी, अब हमारा मन उग गया, लेट्स गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है भैया, बायोलॉजी सुना हमने, बायोटेक्नोलॉजी तो कभी सुना ही नहीं है,
चलो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ली। अब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ली, 2015 में क्या हुआ, 15-16 में, भैया अब क्या नया निकालोगे, सब कुछ तो हो गया। नेक्स्ट ना कहा उनका तुरुपका इक्का, वो था एनवायरमेंट। एनवायरमेंट 2017 से इतना अच्छा गहरा प्रेम संबंध रहा इनका, हा 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 क्या मजा आ गया भैया, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकालते रहे, क्या बात है। अब जब 2017 तक एनवायरमेंट को हमने सब कुछ उनकी एक से चीज हीट से हीट बचा दी, तो कोई नई चीज उठा ली उसने। तो ये चीजें करते हैं, दिस इज द लेवल ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन यूपीएस। अब वो क्या कर रहे हैं, इतना सब कुछ है। 2011 में बंदा अगर पेपर आज वाला दे रहा होता ना, वो बंदा ही विल लिटरली हैव डन सुसाइड कि भाई ये क्या है, क्या पढ़ूं मैं। 2010 में सोचो मैं पेपर दे रहा हूँ, मेरे को इजी लगेगा आज का पेपर, 2010 में देता अगर मैं आज का। लेकिन आज के पेपर देखो, यूपीएससी इज इवॉल्विंग, इज ऑलवेज 2 steps अहेड ऑफ अस। तो जो सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा, जो बच्चा अच्छा पढ़ता भी है ना, उसके लिए जो कंपटीशन है ना, वो है फ्री का। मान लो मेरी बात, फ्री सो मच अनप्रडिक्टेबल, नो बॉडी कैन गारंटी इट। इवन बहुत बड़े बड़े महारथी जो टॉपर्स भी निकलते हैं, वो मैंने आप कई बार एग्जाम्पल दिया, दे कैन ओनली गिव, बस पॉइंटों पे पास हो रहे हैं भैया, क्या करें अब, पॉइंटों पे पास हो रहे हैं। टीना दबी का तो एग्जाम्पल मैं कई बार बता चुका हूँ, 96 उसकी कट ऑफ थी एंड 96.4 वाज हर हर इवेंचुअल स्कोर, तो ही ओनली क्वालिफाइड 0.4%। व्हाट इज 0.4, यू कैन नॉट इवन फैदम। उसको पता नहीं कैसे, मतलब अगर वो नहीं करते तो शी विल हैव इन इन कैटेगरी, शी विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, उसको भी वेट करना पड़ता। और एक साल अगर आपका निकल जाता है ना बेटा, तो प्रिपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। कोई बात आप नहीं, आप कितना अच्छा मेंस का आंसर लिखते हो, इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, नो वन कैन क्वालिफाई। आप बोलते हो सर उसने तो मेंस पढ़ा था, अरे भैया मेंस पढ़ा था, अगले साल तक क्या उसी तरीके से वो कर पाती। यस इट्स सो लकी, दिस एग्जाम इज सो फुल ऑफ लक। आपका लक बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, सितारे बहुत स्ट्रांग चाहिए। तभी मैं कह रहा हूँ कि लक फैक्टर को निकालने के लिए फर्स्ट यू शुड डू समथिंग दैट इज इजी फॉर यू। को यूपीएससी सीएपीएफ निकालो भैया, क्यों नहीं निकालना, वहां पे लक कम फैक्टर है, बहुत कम लक फैक्टर है। क्यों, क्योंकि आपको ऐसे आना है, प्रेसी आना है, वो आना है, सबके लिए एक जैसा ही है भैया, ठीक है ना। वो आपको ये तो है नहीं, अब ऐसे किस प्रकार से लिखते हो वो आपका मैटर करेगा। मैंने जिस प्रकार से आपको दिखाया, सिखाया भी है काफी, अगर उस प्रकार से आप लिखते हो तो आपको नंबर फेच होंगे। 2 नंबर से अच्छा ना कि 8 नंबर मिले आपको, 6 नंबर का गेन तो हो रहा है ना। जिस प्रकार से आप ऐसे लिखते हो, अगर आप मेरे मेथड से लिखोगे, आपको 8 या 10 नंबर मिलेंगे। 12-15 के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भैया, वो तो मेहनत करो, मेहनत बहुत। 30-35 बच्चे जो है, मैंने लिस्ट बनाई हुई है, वही बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज योर ओन यू नो क्राइटेरिया, आप करो या ना करो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, दैट विल ओनली हिसन योर एवेंचुअल सक्सेस। ओके, तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप एक साल में, 1.5 साल में यू विल सी द रिजल्ट, यू विल बी आइदर आर या पार, सीधी सी बात। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे यार, अभी तो 3 साल पढ़े हैं, आराम से करेंगे, कोई बात नहीं, बैठे रहो, योर लैकाडेसिकल एटीट्यूड विल नॉट गेट यू एनी वेयर। ओके, अब लैकाडेसिकल क्या होता है ये यू शुड नो, ठीक है ना, गेट गेट समथिंग अबाउट इट, ठीक है ना, सोचा करो इसके बारे में क्या चीजें होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो कोरल रीव्स के बारे में हम बात कर रहे थे, कोरल रीव्स जो है, इसका जो बड़ा प्रेम संबंध रहा है हमारे यूपीएससी से, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का भी एक पार्ट है कोरल रीव्स में जो है, वो कोरल रीव्स है, वो भी किंगडम किससे आते हैं, सॉरी फाइलम किससे आते हैं, स्नाइडेरिया से आते हैं, ठीक है। ये 2 ऑर्गेनिज्म से मिलके बनता है, एक का नाम है पॉलियप जो कि सनाइडेरिया है, ठीक है ना, पॉलियप, और दूसरा है आपका जूजेंथेल। ठीक है, अब जो जूजेंथेल है, यस मेड्यूसा भी हम पढ़ेंगे सोफिया जी, जूजेंथेल है ये एल्गी है, और पॉलियप है ये एक, इसको घर देता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन, याद रखो दोनों का फायदा, सिम्बायोटिक मतलब दोनों का फायदा। पॉलियप क्या करता है, इसको घर रहता है देने के लिए, और जूजेंथेल क्या करता है, खाना बनाता है। तो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, खाना अपने आप बन रहा है, कौन बना रहा है, एल्गी बना रहा है। कौन सा एल्गी है ये है ऑटोट्रॉफिक एल्गी,
दिस इज ऑटोट्रॉफिक एल्की। ऑटोट्रॉफिक मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इसको कलर देता है और कलर के कारण क्या आता है, ये अपना खाना ले पाता है वहां से और उसको जूजैंथियर को क्या होता है, ये प्रोटेक्शन मिलती है। बट दे आर वेरी मच यू नो फ्रेजाइल ऑर्गेनिजम्स, ये टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा झेल नहीं सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर वेरी करता है 24 to 34 के बीच में तो दे कैन डाई, ठीक है। तो तभी बोलते हैं ग्लोबल जो होती है, ग्लोबल आपका टेम्परेचर चेंज, क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज वाटर, ठीक है, तो ये बड़े एक तरह का इंडिकेटर स्पीसीज होते हैं कि बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कम या बढ़ रहा है, तो उसके कारण वश बहुत ज्यादा आपका ये देखो, लेट मी शो यू व्हाट हैपेंस, व्हाट इवेंचुअल विल हैपन। अगर हमारा टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर 2 degrees राइज करता है तो पता है ना, ये आपका पेरिस क्लाइमेट चेंज में यही इट वॉज द अल्टीमेट गोल कि 2 degrees से नहीं करना, 1 degree तक लिमिट करना है। तो अगर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ऑफ योर ओशन राइजेस बाय 2 degrees, इट विल लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ योर कोरल्स, कोरल्स सारे के सारे मर जाएंगे, कोरल्स मर जाएंगे। इनको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, रेन फॉरेस्ट। जैसे हमारे पास वो नहीं होता, क्या कहते हैं, अमेज़न, ठीक है, हमारे पास अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ब्राजील में, साउथ अमेरिका में, उसी प्रकार ओशन का रेन फॉरेस्ट का किसको नाम दिया गया है, इनको, ठीक है। रेन फॉरेस्ट आएगा और रेन फॉरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, कोरल खत्म हो जाएंगी, कोरल खत्म हो जाएगी तो ये शोरलाइन प्रोटेक्शन करते हैं। शोरलाइन प्रोटेक्शन, व्हाट इज शोरलाइन प्रोटेक्शन, लेट मी गिव यू एन आइडिया, ये मैं अभी बताता हूं ना, इट इज ओनली टू स्टिमुलेट योर थिंकिंग। शोरलाइन प्रोटेक्शन क्या होती है, कभी आपने कोरल्स देखे, लेट मी शो यू कोरल्स, व्हाट आर कोरल्स, इज कोरल ट्रीज, let me show you, let me share my screen with you, dikh raha hai beta, abhi dekhna, let me show you, are you seeing this thing, barrier reefs, atolls, fringing reefs, dikh raha hai, to socho ab yahan pe fringing reef ki baat karte hain ya agar ye barrier reef ki baat karte hain to ye lagoon ki baat karte hain, they all are the type of What? ये दिख रहा है आपको लैगून, ये वाला। तो अगर ये रीफ है और ये लैंड है, यहाँ पे आप बैठे हो, तो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा जो आ रही है वो आ रही है, चक्रवात आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, तो क्या ये उसकी स्पीड कम नहीं करेंगे, बताइए मेरे को, स्पीड कम करेंगे ना, तो जो बहुत सारी लहरें आ रही है और लहरें आपका सारा का सारा लैंड से जो है वो मिट्टी को ले जाती है ओशन की तरफ, क्या उसको भी ये प्रिवेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, Are you getting this line? Are you understanding this concept? Shoreline protection. बस यही समझना था आपको। तो shoreline protection को में भी ये आपका काम करते हैं, shoreline protection करते हैं। अच्छा, global temperature change होने से आपका geography या climate में भी change आता है, ठीक है ना? अब क्या होता है? आपको देखा होगा, जैसे इंडिया है तो आपने देखा होगा कि हमारे पिछले 5-10 सालों से क्या होता है कि बहुत ज्यादा चक्रवात आते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दिस इज योर अरेबियन सी, दिस इज योर बे ऑफ बंगाल, दिस इज बिकॉज ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है ना। अगर यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल 26 है और ये 27 या 28 डिग्री होता है तो दिस विल बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ साइक्लोन्स, साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो साइक्लोन्स आएंगे तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपका, साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऊपर से आपने क्या कर दिया, कोरल रीफ्स को खत्म कर दिया, खत्म हो गए हैं, तो क्या ये शोरलाइन प्रोटेक्शन कर पाएंगे, नहीं। तो ये थिंकिंग चल रही है आपके दिमाग में, तो ये आप इस तरह से भी बना सकते हो एक चार्ट टू शो व्हाट इज हाउ यू नो कोरल रीफ्स आर आल्सो टाइप ऑफ एनिमल्स, है ना, तो हाउ डिस्ट्रॉइंग बायोडाइवर्सिटी, हाउ डिस्ट्रॉइंग योर coral reefs or destroying your disturbing the delicate balance of nature will ultimately affect
ठीक है ना, ह्यूमंस। और इस सबका सबको सबसे ज्यादा नुकसान किसको झेलना पड़ेगा, ह्यूमंस को। लैंड डिग्रेडेशन क्यों क्यों झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 70% से ऊपर जो पॉपुलेशन है दैट आर कंसंट्रेटेड अलोंग दी शोर लाइन्स। इंडिया में भी जो पॉपुलेशन है वो शोर लाइन्स पे ज्यादा है हमेशा, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। तो वहां पे लोग जो हैं उनके रहने के लिए, उनके जो आ, 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 क्या कहते हैं पॉपुलेशन का क्या जो है वहां पे रहने के लिए, क्या वो प्रॉब्लम करेगा? यस करेगा, ठीक है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? टू ट्राई टू कलेक्ट ऑल दीज थिंग्स। पढ़ाई तो मैं करवाऊंगा आपको, कहाँ हम कोरल रीव्स के बात कर रहे हैं हमने, और ये भी एक लिंक आपने और जोड़ दिया, कोरल रीव्स जब आप पढ़ोगे यू शुड नो दैट दे आर स्नाइडेरियंस, ठीक है ना। दे बिलोंग टू द किंगडम, सॉरी, फाइला स्नाइडेरिया, अंडर द किंगडम प्लांटी। ओके, गेट नाउ? समझ लगा कुछ? चलो आगे चलते हैं। वी हैव ऑलरेडी डन दिस टिश्यू लेवल रेडियल डिप्लोप्लास्टिक एसिलो में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डज इट हैव, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट डज दिस मींस? तो ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है, इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है, क्योंकि इसमें टिश्यू आ चुके हैं। तो जो है टिश्यू क्या होता है, एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव टिश्यू आ चुका है, अभी ऑर्गन नहीं बना वो, अभी वो सिक्रीट नहीं कर रहा कुछ, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए पर्टिकुलर टिश्यू आ चुका है यहाँ पे, ये देख रहा होगा आप। तो ये फूड आ रहा है, फूड आ रहा है, ठीक है ना। तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास क्या है, स्पेशलाइज सेल्स हैं, डाइजेस्टिव सेल्स हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, बाद में उसको अब्सॉर्ब करके इंट्रा सेल में ले लिया जाता है, बाद में वो उसको फर्दर डाइजेस्ट करते हैं। क्या इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा? नो। क्या इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? नो। डाइजेस्टिव सिस्टम है लेकिन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? बिकॉज देयर इज ओनली माउथ एंड नॉट एन एनस। खाने के लिए तो है, निकालने के लिए अलग से एक कैविटी और नहीं है, तो ये इसीलिए इसको इनकम्प्लीट बोला जाता है। डन? ओके, डन। अब दूसरा जो चीज आती है इसमें आती है रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये एक चीज, एक 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 फिनोमिना एग्जिबिट करता है। लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट, दैट इज योर, लेट मी शो यू, पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज योर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फ का मतलब शेप। दिस मीन्स कि दैट ये क्या करते हैं, अब डिवीजन ऑफ लेबर भी शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है, जब ये कॉलोनीज बनाता है ना, तो कुछ सेल्स जो होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, वो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो वो अभी डिवीजन ऑफ लेबर हमने कंसेप्ट शुरू कर दिया है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से बना नहीं है, अच्छी तरह से भी बना नहीं है, ठीक है। डन। इसमें कोई रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता है, एक सेंट्रल कैविटी होती है, उसको सिलेंट्रोन बोला जाता है या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोला जाता है, एक माउथ होता है, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और सबसे बड़ी बात होती है इसमें एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उनका नाम है निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट कुछ नहीं होते, ये आपकी तरह छोटे छोटे ना, ये मतलब अगर आपने देखा हो छोटी छोटी, अगर आपके बात करो छोटी छोटी स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग आपके जो होती है ना, सुइयां होती हैं, सुइयां, सुइयों की तरह एक्ट करते हैं हमेशा। आपने कभी जेलीफिश देखी हो ना, तो उसके जो बड़े बड़े से लटक रहे हैं नीचे टेंटिकल से, है ना, तो वो टेंटिकल्स में एक छोटी छोटी सुइयां होती हैं, वो उसमें जहर होता है, पॉइजन होते हैं, स्टिंग होता है। जैसे आपको कभी मधुमक्खी ने काटा हो, तो छोटा सा आपको देखते हो कि वो कंडा सा होता है जो आपके हाथ में चले जाता है, जो सूज जाता है बाद में। अगर वो कंडे को निकाल दो तो कोई आपको मतलब वो नहीं, सुजावट नहीं आए, सूजेगा नहीं वो, है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, ठीक है। तो उसी प्रकार ये पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिट करता है, और इसके दो फेज होते हैं रिप्रोडक्शन में, पॉलियप एंड मेड्यूसा। पॉलियप इज द फिक्स्ड फेज, जिसको सिसाइल फेज भी बोलते हैं, और मेड्यूसा इज द फ्लोटिंग फेज, या फ्लोट करता है। इसका क्या मतलब है, 15 मिनट।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? लेट्स जल्दी जल्दी इसको खत्म करें फिर। तो पॉलीएफ में क्या करेगा, ये फिक्स्ड होगा, आपने हाइड्रा को देखा होगा, ये फिक्स्ड है ठीक है। तो हाइड्रा के पास दो ऑप्शन है। हाइड्रा के क्या करता है कि ये सेपरेट करके, मतलब अपना फ्रेगमेंटेशन करके या ब्रीडिंग करके नया ऑर्गेनिज्म भी बना सकता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, लार्वा बना रहा है। अब ये लार्वा जो है, ये देखो इफेरिया लार्वा, ये दो तरह के लार्वा बनाता है, फीमेल लार्वा एंड मेल लार्वा ठीक है। तो ये आगे जाके मेड्यूसा बनाते हैं, ये फ्लोटिंग जेलीफिश नहीं लग रही आपको, फ्लोटिंग ये वाला, ये जेलीफिश जो होती है रेडियल सिमेट्री होती है जिसकी, ये आगे जाके इनमें इनमें भी सेल होते हैं, वो दोनों हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये भी ठीक है ना। हर्माफ्रोडाइट मतलब फीमेल और मेल सेल्स होते हैं। तो एक मेल सेल देता है, एक फीमेल सेल देता है, दोनों कंबाइन होके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जाइगोट से, फिर लार्वा बनता है, फिर प्लेनुला बनता है, और ये प्लेनुला जाके फिर से क्या बन जाता है, दोबारा से ये प्लेनुला यहाँ से आया, फिर रिप्रोडक्शन में प्लेनुला बढ़ा, फिर से पॉलियप बन जाता है। एवरीवन गॉट दिस? तो पॉलियप और मेड्यूसा, अब ये बोलो कि सर ये पॉलियप वखरा है और मेड्यूसा वखरा है? नहीं, मेड्यूसा भी इसी का ही एक फॉर्म है, जेलीफिश भी इसी का ही एक फॉर्म है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसको ये जेलीफिश वाला या मेड्यूसा बनना ही पड़ता है। मेड्यूसा जब बनता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनता है, जब वो कंबाइन हो जाते हैं फिर से वो क्या बना देता है, पॉलियप ही बन जाता है ठीक है। अब आपको देखो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अस, व्हाई आर वी लर्निंग दिस, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट इट इज एवोल्यूशन एट इट्स वेरी पीक। उस टाइम पे सोचो आपके पास ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए दो चीजें चाहिए, सिर्फ एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं चलेगा, पहले तो उसको अपनी संख्या बढ़ानी है, पॉपुलेशन बढ़ानी है, वो किससे बनाएगा, अपनी कॉपियां बना के, जीरोक्स कॉपी बना के, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। लेकिन साथ बाय साथ उसको अपने चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में इवॉल्व भी होना है, इसलिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा। याद रखिए हमेशा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इट वॉन्ट टू इवॉल्व। जब इवॉल्व होएगा, जब आपकी वेरिएशन आएगी, यू विल बी बेटर सूटेबल फॉर चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो उसी कारणवश ये मेड्यूसा करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए करता है ताकि ये चीजें हो। एवरीवन गुड? डेवलपमेंट इज स्टिल इनडायरेक्ट, मोस्ट आर द सेपरेट सेक्सेस, मोस्ट हैव सेपरेट सेक्सेस, कईयों में सेपरेट सेक्स नहीं होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। चले आगे, तो टेंटिकल्स होते हैं, मैं बता दिया, प्रे को पकड़ने के लिए टेंटिकल्स होते हैं, उसको नेमाटोसिस्ट या स्नाइडोब्लास्ट भी बोलते हैं, जो मर्जी बोल लो ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो इसमें हमने बता दिया कि भाई पॉलिप और मेड्यूसा दो होते हैं, ये भी बता दिया आपने ठीक है ना। ए सेक्सुअल फॉर्म होती है पॉलिप, और मेड्यूसा होती है सेक्सुअल फॉर्म, जो अम्ब्रेला शेप होती है, ये देखो ये बाद में क्या बनाता है, दोबारा बनाना इन्होंने पॉलियप ही, और पॉलियप से फिर मेडुसा, और मेडुसा से फिर पॉलियप, ये लाइफ साइकिल चलता रहता है इनका ठीक है ना। तो सेक्सुअल फेज मेडुसा, नॉन सेक्सुअल या ए सेक्सुअल फेज इज पॉलियप। ओके चलिए चलिए आगे चलते हैं। वी हैव डन दिस ठीक है। ओबिलिया, अल्टरनेट मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन तो समय लग गई ना। इट इज फॉर्मुला शोन बाय सम सिनेरियो इन व्हिच पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा ए सेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप्स ए सेक्सुअली, ये समय रख लो, इसको बोला जाता है मेटाजेनेसिस। तो मेड्यूसा से पॉलिप बनता है, पॉलिप से मेड्यूसा बनता है, सीधी सी बात है, एक दूसरे के ये साथ साथ में चलते हैं ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपकी कुछ एग्जाम्पल बताई हैं कोरल रीव्स की ठीक है ना। कोरल रीव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये टेंटिकल्स होते हैं, नेमाटोसिस्ट होते हैं, अंदर कैविटी होती है, ये देखो कैविटी भी बताई गई है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाउ लेट अस कंप्लीट दिस फाइलम, इसमें कोई डिफरेंशिएशन हो बताओ, कोई गलत चीज समझ ना लगे। ये स्लाइड पढ़ लोगे तो यू 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 आर कवरिंग फाइलम साइनेरिया पूरे का पूरा। डन, चले आगे। नाउ लेट अस मूव टू फाइलम स्टीनोफोरा। अब ये स्टीनोफोरा, ये जेलीज, कॉम जेलीज को बोला जाता है। अभी तक हमने जो जेलीज पढ़ी हैं वो इस प्रकार की थी ठीक है ना। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ डिफरेंट है, ये देखो लिफाफा सा बाहर से वो निकला हुआ ना, इस प्रकार से नहीं,
अब जो होंगे हम ये डिफरेंट शेप की होंगी। लेट मी शो यू, ये है स्टीनो। स्टीनो का मतलब होता है कॉम्ब लाइक। कॉम्ब लाइक का मतलब समझ रहे हो, कंगी की तरह होता है, कंगी की तरह। ठीक है, तो स्टीनोफोरा मीन्स दे आर कॉम्ब, और फोरा मतलब कैरिंग, कॉम्ब कैरिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है सबसे पहले इनकी, बाई रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। टेंटिकल्स होंगे इनके, ठीक है, मरीन भी होता है, सॉलिटरी भी होता है, फ्री स्विमिंग भी होता है, नेमेटोसाइट्स एब्सेंट होते हैं, इसमें कोलोब्लास्ट होते हैं। ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नथिंग इज मोर इसके उसमें ज्यादा और समझने की इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। लेट मी फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या इसमें हमने पढ़ना है स्टीनोफोरा में। तो स्टीनोफोरा में कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट्स आते हैं, लाइक दीज काइंड ऑफ क्रिएचर्स। दिख रहा है आपको, टिश्यू ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है, समझ गए हो। इनमें ना बायोल्यूमिनेसेंस होती है, ये बहुत ज्यादा डीप ओशंस में पाए जाते हैं, डीप ओशन बैंड्स में पाए जाते हैं। तो ये प्रे को अपनी अट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये मतलब अपने शिकार को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, इनमें जैसे जुगनू नहीं होते वैसे इनमें विभिन्न प्रकार की लाइटें जलती हैं। तो लाइटें जलती हैं तो ऑर्गेनिज्म उनकी तरफ चलते हैं लाइट, और फिर ये अपना जाल बिछा के, ये जो टेंटिकल्स हैं दिख रहे हैं, दो टेंटिकल्स हैं, इन सब में दो दो टेंटिकल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जो टेंटिकल्स हैं उनमें प्रे फंस जाती है और ये अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। ठीक है, डन। इसमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है स्टीनोफोरा में भी। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि टू लेयर्स होती हैं, एक अंदर वाली लेयर, ये देख लो दिख रहा है माउथ, क्या एनस है इसमें, लेट मी सी। ठीक है ना, एनस आई डोंट थिंक देयर विल बी एनस, लेट मी चेक। नो सिलोम, ए सिलोमेटा, डन। तो ये आपने समझ आ लिया। ठीक है, इसमें पोर्स होते हैं, देखो अभी एनस बना नहीं है प्रॉपरली, लेकिन माउथ भी है और बाहर निकालने के लिए इनर पोर्स भी हैं। ठीक है, डन। समय लग रहा भैया, बस एक लिफाफा सा है और उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, है ना, इसमें कुछ नहीं है अभी। तो ये आप समझ रहे हो मरीन इसकी हैबिटेट होगी, और कहीं जगह पे ये नहीं पाया जाएगा। सॉलिटरी भी होता है, प्लेजिक भी होता है, प्लेजिक मतलब बहुत ज्यादा गहराई में रहता है। ठीक है, मूविंग फर्दर व्हाट कैन वी से, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। ठीक है, व्हाट अबाउट इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। ये देखो दो होते हैं, ये हमेशा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहा है। ठीक है, ठीक है, एनीथिंग दैट इज नॉट एबल, यू एबल टू अंडरस्टैंड इन दिस, डन, इजी। हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब फीमेल और मेल ऑर्गन इसी में होते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल का मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमारे में होती है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होके माँ में ही वो बच्चा पैदा होता है, लेकिन इसमें क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो बच्चा पैदा यहाँ पे अंदर नहीं होता, बाहर होता है, डन, यही बात है। और कोई इसमें कोई नई बात नहीं है, बायोल्यूमिनेंस आपको बता दिया क्या होता है, टेंटिकल्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, बस इसमें कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएशन क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिप्लोब्लास्टिक, ए सिलोमेट, और क्या होता है इसमें, पॉलिप और मेड्यूसा नहीं होता है, याद रखिए, पॉलिप एंड मेड्यूसा दो डिफरेंट सेक्सुअल फेसेस नहीं होते हैं। ये किसमें होएंगे, आपके स्नाइडेरिया में, नॉट इन स्टीनोफोरा। दैट इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफरेंशिएशन बिटवीन साइडेरिया एंड स्टीनोफोरा। डन, ये स्लाइडें जरूर रखनी यार, ये स्लाइडें जरूर पढ़ लेना। बाकी डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो आता है वो आएगा प्लैटी हेलमिंथिस। प्लैटी हेलमिंथिस में क्या आएगा, वॉर्म्स आएंगे, फ्लैट वॉर्म्स आएंगे, मतलब चिपके हुए, ठीक है, ए फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट तरीके से, ठीक है, बने हुए वॉर्म्स आएंगे। इसमें क्या आएगा आपके पास, ये आएगा जी, देखो ग्रेड ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन बनना स्टार्ट हो चुके हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम प्रिमिटिव, बहुत प्रिमिटिव ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ग्रेड इसमें अब स्टार्ट हो चुका है, प्लैटी हेलमिंथिस में। आगे चलते हैं, तो क्या होगा इसके बाद, आप क्या सोचते हो, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री गया, तो एडवांस में चल रहे हैं, प्लैटी हेलमिंथिस में चल रहे हैं। इसमें सारे के सारे आपके क्या आएंगे, जो आपके पैरासाइट होते हैं ना, पेट के कीड़े होते हैं, जिनको बोलते हैं कीड़े होते हैं, जिनको कई बार पेट में आंतड़ियों में कीड़े चल जाते हैं, पैरासाइट्स, बहुत बहुत बड़े बड़े पैरासाइट हो जाते हैं, आपको बोलते हैं वॉर्म्स हैं, आपको
तो टीनिया सोलियम हो गया, बाइलेटरल ये जो हो गया, फ्लैन प्लेनेरिया हो गया, ठीक है ना, ये सारे आते हैं प्लैटी हेलमेंथ्स में। हेलमेंथिक डिजीज भी पढ़ा था मैं, याद है जब मैंने आपको डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, हाँ क्रिमीयास। तो ये समझ रहे हो आप मेरी बात? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? ठीक है, तो ऑर्गन बनना स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन डिफरेंसिएशन अभी भी नहीं है। ठीक है, ऑर्गन बनना स्टार्ट हो चुके हैं, हमने पता ये कौन से सीलम होंगे, ये सीलोमेट होंगे, याद है मैंने बोला था पॉलीफेरा से लेके जहां तक आपने आज पढ़ा प्लैटी हेलमेंथिक, ये सारे सीलोमेट्स होते हैं, सीलम होता है। ठीक है जी, डन, ओके। एक्टोडर्म एंडोडर्म वी हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी हमने कर लिया कि रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होगी, लेट मी शो यू। रिप्रोडक्शन इसमें बहुत प्रकार से हो सकती है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एबसेंट होगा, ठीक है, और रिप्रोडक्शन इसमें किस प्रकार से हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल भी हो सकता है, हार्मोफ्रोडाइटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ध्यान दिए क्या है, इससे पहले क्या थी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, जो बच्चा है वो माँ में पैदा होना शुरू हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद देयर विल बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इज स्टिल इनडायरेक्ट, ठीक है, मैनी लार्वल स्टेजेस आती हैं बीच बीच में, पर अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यस, ए सिलोमेट यस, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यस, हर्माफ्रोडाइट यस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन दैट इज आल्सो यस। डन, कितना कुछ पढ़ लिया हमने। वो फ्रेगमेंटेशन तो समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ से काट दोगे तो ये अलग प्रजाति बन जाएगी, नीचे वाला अलग बन जाएगा, नीचे वाला उसके बाद बन जाएगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है, तो तीन इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो वाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू, हाँ लाइक हाइड्रा, बिल्कुल समझ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ, सोचो, वी हैव टू कॉम्बैट हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, हाइड्रा हेडेड प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, इसका क्या मतलब है समझ रहे हो? हाइड्रा हेडेड, एक काटते हो दूसरा आ जाता है, दूसरा काट तो तीसरा बन जाता है, दो से तीन बना देते हो, तीन से पांच बना देते हो आप, समझ रहे हो? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कैन यू यूज दिस एनोटेशंस एंड यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर एसे आल्सो? यस। तो आप करप्शन के बारे में लिख रहे हो, पॉवर्टी के बारे में लिख रहे हो, जो कि बहुत सारे, एक चीज, एक कोई चीज, एक चीज से वो प्रॉब्लम नहीं आ रही, पॉवर्टी से आपका टेररिज्म भी बन रहा है, पॉवर्टी से आपका ग्रोथ भी, डेवलपमेंट अफेक्ट हो रही है, पॉवर्टी ऐसा सोशल और इकोनॉमिक आस्पेक्ट पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं उनसे। तो वी कैन से टू कॉम्बैट दिस हाइड्रा हेडेड प्रॉब्लम गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी, इस तरह से कुछ सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वी हैव डन दिस। यूनिक फीचर क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती होगी, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर सेगमेंटेड बॉडी होगी तो वो इसके बाद आ जाएगा एनिलिडा, याद है गंडोया जो हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने सेगमेंटेशन पढ़ी थी ना एनिलिडा में। तो प्लैटी हेलमेंट्स कैसे डिफरेंशिएट करते हो आप हो उनसे, क्योंकि ये अनसेगमेंटेड बॉडी होती, फ्लैटेंड होती है, ऐसे करके फ्लैट होगी, गोल नहीं होगी, फ्लैट होगी बॉडी, ये दिख रहा है आपको, फ्लैट फ्लैट बॉडीज है सारी की सारी, स्लेंडर एंड फ्लैट बॉडीज। हैव यू बीन सीइंग दिस? यस, बिल्कुल। क्यों होता है बॉडी में, मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन उत्तरा। तो इसमें अब क्या हो सकता है, ये देखो, इससे पहले हमने सोचा कि डाइजेशन में अलग से सेल बनने स्टार्ट हो चुके थे, याद है। अब हमने क्या कर रहा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी टिश्यू बन रहा है, अभी एक्सक्रीटरी टिश्यू में क्या बन रहा है, सेल्स बन रहे हैं, फ्लेम सेल्स उनका नाम है, उसको नाम क्या दिया जाता है, नेफ्रिडिया, प्रोटो नेफ्रिडिया। तो ये क्या काम करते हैं, नेफ्रिडिया या नेफ्रॉन्स, आपका कहां पे आपने सुना था, नेफ्रॉन्स आपने किडनी में सुने थे, किडनी क्या थी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आता था वो। तो प्रोटो नेफ्रिडिया मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटो, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन में, या वेरी गुड सोफिया, ऑस्मो रेगुलेशन में या एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह अभी एक्सक्रीटरी टिश्यू बन रहा है, ऑर्गन नहीं बना अभी, ठीक है। काम क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब अपने बॉडी का जो आयन का बैलेंस है, वाटर का, साल्ट का बैलेंस है, उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता कि उसका पेट अंदर होता है, जनरली क्या होता है कि आपका एपेटाइट उतना ही रहता है, एपेटाइट मतलब खाना खाने की क्षमता और खाना खाने का जो एक भूख होती है,
वो ज्यादा एकदम बढ़ जाती है, पर जितना आप खाना खाते हो आपके शरीर को उतना लगता नहीं है, क्योंकि वो आपका सारे का सारा अब्जॉर्ब कौन कर रहा है, पैरासाइट खा रहा है। तो एक गोली आती है, और आजकल पंजाब में तो हर बच्चे को दी जाती है ये, जो बच्चा सरकारी स्कूल में या इवन आपके प्राइवेट स्कूल में भी होता है, उनमें 8वीं से जो 12वीं कक्षा के लोग होते हैं उनको दी जाती है गोली, आपको आपको भी दी जाए, पेट के कीड़े मारने के लिए दवाई दी जाती है। इसको 2 बार खाना होता है आई थिंक, उससे बाद वो प्रॉब्लम आपकी शुरू हो जाती है। तो इसका भी खाने का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, कभी भी कर, या आंगनबाड़ी केंद्र से भी मिलती है। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर होता है हेल्थ मेंटेनेंस का। ठीक है ना, तो इसमें यूनिक फीचर क्या होते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट है तो इसको चूसना है, लीच की तरह चूसना है आपके अंदर से, तो आपकी गट में ये क्या बना देते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, सकर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सोफिया। तो अब्सॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन इन्वॉल्व करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, यूजली ये पेट पेट में कैसे पैदा होते हैं, इनका सोर्स होता है खास करके जो अनकुक्ड मीट खाते हैं, सुअर का, या आप चिकन खाते हो, या ये जो बफेलो का मीट खाते हैं ज्यादा, है ना, उनमें पॉर्क ज्यादा खाते हैं, है ना, सुअर का मीट खाते हैं, उनमें क्या होता है, ये ऑलरेडी वहां पे बीफ या उनमें खाना ऑलरेडी होते हैं, ठीक है ना, अल्बेंडाजोल इसको खाते। क्या बात है भाई डॉक्टर साहब, क्या बात है मुस्कान, दैट्स वेरी गुड। तो वो जो खाते हैं खास करके उसमें ये जो आपकी अंतड़ियों में जाके अनकुक्ड मीट खाते हैं या प्रॉपरली कुक्ड मीट नहीं खाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। चले आगे, चलो जी, तो वी हैव डन दिस आल्सो। ठीक है, टेप फॉर्म, टीनिया सोलम, प्लेनेरिया, फेसिकोला, लिवर फ्लू, जो लिवर में जाके चला जाता है तो लिवर फ्लू बोलते हैं उसको, ये सारा कुछ हम पढ़ के आए हैं। अब हमने पढ़ना है फाइलम एशलमेंथिस, यानी कि राउंड वॉर्म्स। तो पहले फ्लैट वॉर्म्स, फिर राउंड वॉर्म्स। तो एशलमेंथिस में कौन सी कैविटी होती है बताइए, आज आज का हमने एक ही पढ़ा था, ऑर्गन लेवल इसमें भी आ गया, राउंड है पर ये फ्लैट नहीं है, ये राउंड सिस्टम है, राउंड वॉर्म इसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो मेल डिस्टर्ब होता है एस्केरियासिस, या फीमेल डिफरेंट होती है, और दोनों मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, हुकवॉर्म इसको बोला जाता है। ठीक है जी, ये भी पैरासाइट ही होते हैं। ठीक है, ये देख लो आप आंखों में दिख रहा है, ये आंख के पीछे है देखो। ठीक है, तो ये बड़ा गंदा होता है एस्केरियासिस जो होता है, ये एक राउंड बॉम होता है, ये एस्चेलमेंथिस में आता है, हेलमेंथिस का एक टाइप है। तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसमें, फाइलेरियल जो फाइलेरियासिस जो उसका है, जो एलिफेंटेसिस आपने देखा, एलिफेंटेसिस क्या होता है, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटेसिस, जिसमें वो हाथ ऐसा बड़ा सा हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना। तो मैंने आपको लिम्फ नोड्स कराए थे याद, लिम्फ नोड्स मैंने बोला था ये मिडल मैन होता है, और मोस्टली आपका ब्लू ब्लड है वो यहाँ से होके जाता है ना, तो ये लिम्फ नोड्स में जाके जम जाता है, बीच में ब्लॉक कर देता है। तो जब लिम्फ नोड्स ब्लॉक हो जाते हैं तो आपका फ्लूइड इकट्ठा शुरू हो जाता है पूरी बॉडी में, बहुत दुखदाई कंडीशन होती है बेटा ये, फाइलेरियल वॉर्म जो होता है वो यहाँ पे जाके जाम कर देता है, तो कहीं कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ है ये। ठीक है ना, तो बड़ा ये एस्केरियासिस जो है ये भी एक तरह का, ये एक राउंड वॉर्म है, ये फ्लैट वॉर्म नहीं है, ये काम क्या करता है, ये सीडोसिलोमेट होता है, इसमें सिलोम कौन सा होता है, सीडोसिलम होता है। डन, क्या होता है ये बता दिया, अब हम इसको ज्यादा डेल्व नहीं करेंगे, यही इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और ये देखो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ होता है, फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों होते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर देख लो, ये देखो दिख रहा है आपको, ये आंतड़ियों के अंदर है, काम यही पैरासाइट का ही काम करते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं लेकिन पैरासाइट भी होते हैं, दिख रहा है, अच्छी अच्छी फोटो में देखो, सुबह सुबह आपका खाना खाने का मन करेगा, फिर मजा आ रहा है। तो अब ये क्या हो गया, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस दोनों आ गया, तो क्या ये डेवलप्ड है, यस, नाउ वी आर मूविंग टू हायर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें माउथ और एनस डिफरेंशिएशन आ रही है। ठीक है, एक एलिमेंट्री ग्लैंड बढ़ रहा है, सीडोसीलम इसमें भी है, लेकिन सीडोसीलम है पूरा, कंप्लीट सीलम नहीं है। ठीक है ना, तो ओवरी ये देखो बनना स्टार्ट हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल बननी स्टार्ट हो रही है, इंटेस्टाइन बननी स्टार्ट हो रही है, माउथ भी है और एनस भी है,
तो ऑर्गन की स्पेशलाइजेशन अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, अभी हुई नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। तो वी हैव डन दिस एज वेल। तो यूनिक फीचर क्या होती है, एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है इसमें टू रिमूव बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। तो अब ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरफ जा रहे हैं, अभी ट्यूब बनी है, ट्यूब के बाद ऑर्गन बनेगा, डन। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है बेटा, ये बस आपको यूनिक सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसमें पहली बार आता है, यानी कि देयर इज मेल एंड फीमेल डिफरेंट होती है, फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है, ये दोनों करते हैं, फीमेल जो लॉन्गर होती है देन मेल्स। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म याद रखो, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी कि सेक्सेस में डिफरेंसेस होना, सेपरेट सेक्स होना स्टार्ट हो चुका है अब एश्केलमेंथिस में, डन। आज हम एनिलिडा तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वी विल कंप्लीट दिस थिंग टुमारो, कल भी आपकी क्लास लगेगी बेटा। तो इन फाइलम एनिलिडा, और अब आपका क्या काम है, ये देख रहे हैं आप, ये समय लग रहा है आपको, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बस, इसको डिफरेंशिएट करना है। और अब कल आपका ये काम है, फाइलम एशिलिज्म, एशिलिमेंथिस, एनिलिडा, पॉरीफेरा, स्टीनोफोरा, और एक कौन सा रह गया, स्नाइडेरिया, ठीक है ना। जितने हम 5-6 पढ़ेंगे आज, इन सब का आपने ये वाला, मैं चाहता हूं कि आप करो ये वाला टेबल बना के लाओ, दिख रहा है ये टेबल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, सिमेट्री, सिलोएम, ठीक है, यूनिक फीचर्स अलग से बनाना, डिफरेंशिएटिंग फीचर। और ये अगर आप बना लेते हो ना बेटा, अभी डिफिकल्ट करके थोड़ा टाइम लगा के बनाओ नोट्स, आराम से बनाओ, और इसी प्रकार से बनाओ नोट्स, तो क्या आपको डाइवर्सिटी बार बार पढ़ने की जरूरत है, एक टेबल से आपका काम चल जाना है, दैट इज स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। बड़ी लर्निंग नोट्स बना लो, 20-25 पेजेस के नोट्स बना लो, या एक टेबल बना लो। टेबल का क्या फायदा, रात को सोते वक्त भी आप पढ़ लोगे ना उसको, तो आपको पता चल जाएगा, यार ये तो मेरे को पता है, रिवाइज करना आसान है, ठीक है। तो इसके साथ ये तो मैंने चार बना के दी ना आपको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, सिमेट्री, सिलियम, इसके बाद एक टेबल और अटैच करो यूनिक फीचर्स का, ठीक है, एक टेबल और अटैच करो रिप्रोडक्शन का, एक टेबल और अटैच करो इसी के साथ में, जैसे अब जो हमने पढ़ा ये वाले सारे चीजें, ये 11 की 11 चीजों का, लेट मी शो यू, ये वाला सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये इकट्ठा एक टेबल बना लो, क्या ये इसमें है कि नहीं है। आप देखो कि डाइजेस्टिव, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे एक्सक्रीटरी भी डालो साथ में, एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप स्टार्ट होना शुरू हो गया अभी, फिर रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया अलग से ऑर्गन से, ठीक है, यूनिक फीचर्स क्या और एग्जाम्पल, ये इस प्रकार से आपने 8 या 9 टेबल बना के सारे के सारे डिफरेंशिएटिंग फीचर्स लिखने, इस तरफ फाइलम डाल दो, इस तरफ फीचर्स डाल दो सारे के सारे, डन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट नाउ? ओके ओके ओके, नाउ वी हैव डन टिल अप टिल हियर, ओके, नाउ वी शुड डू एनिलिडा। एनिलिडा मतलब सेजमेंटेशन भी आ जाएगी, नेक्स्ट यूनिक फीचर क्या आ जाएगा इसमें, और समझ लो राउंड वॉर्म्स में, हाउ इट इज राउंड वॉर्म्स इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लैट वॉर्म्स, वो फ्लैट होते हैं और ये क्या होते हैं, राउंड होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये बाई रेडियल सिमेट्री होती है, उसमें नहीं होती है। और क्या होता है, ये स्यूडो सिलोमेट्स होते हैं राउंड वॉर्म्स, और जो फ्लैट वॉर्म्स है वो ए सिलोमेट्स होते हैं। अब अगर हम एनिलिडा और इसमें डिफ्रेंशिएशन करूं राउंड वॉर्म्स में, एनिलिडा और एस्टलमेंथिस में, तो क्या डिफरेंशिएशन फीचर लग रहा है अब ये देख रहा है। पहले तो जो एस्केरियासिस था या जो एस्मेशमल था, इसमें सेजमेंटेशन बहुत बढ़िया सुमुफी था, तो ट्रू सिलोम भी आ जाएगा, बहुत बढ़िया। आप तो यार पढ़, तो आप खुद करने लग पड़ो, दैट्स वेरी गुड थिंग। तो अब डिफिकल्टी तो नहीं ना लग रही कोई चीज, सेजमेंटेशन आ जाएगा, ये इसका यूनिक फीचर है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम, हाँ इसमें ट्रू सिलोम आ जाएगा, ये भी इसका यूनिक फीचर में आ जाएगा। तो आपको बस वही चीजें लिखनी है, सारा चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं, छोड़ो बड़ा नोट्स बनाने, ये बनाओ, सीधी सी बात है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बार बार लिखने की जरूरत है, जब आपने एक बार लिख दिया कि अब ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो चुका, तो ऑर्गन सिस्टम ही रहेगा, चेंज तो होने नहीं वाला, वो एक बार लिख दिया बस काम खत्म। उसके बाद क्या, ये सिमेट्री कौन सी आएगी, बार बार लिखने की जरूरत है, बाइलेटरल सिमेट्री या बाइरेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री ही रहेगी, 2 पार्ट हो जाएंगे, सीधी सी बात, इसके बाद सारे के सारे बाइलेटरल हो जाएंगे, ठीक है ना। लीचिस इसमें आ जाएगा, अर्थवॉर्म इसमें आ जाएगा, लीच जो होती है आपने देखा होगा वो आ जाएगी इसमें, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बार बार लिखने की जरूरत है, क्योंकि अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्या ये वेरी गुड, वेरी गुड सोफिया। तो ये ट्रू सीलम क्या होता है, मतलब समझ लग गया ना,
एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, तीनों डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होंगे इसमें, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सीधी सी बात है। ये दिख रहा है आपको, सिलोम दिख रहा है, मीजोडर्म दिख रहा है, दैट्स ऑल, यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब हमारा काम आसान है याद करना सब कुछ। तो क्या इसमें और कुछ, हैबिटेट क्या होता है? टेरेस्ट्रियल ही होगा, पानी में तो रहता नहीं है, ठीक है ना। पानी में रहता है लेकिन कम होते हैं, कोई प्रजाति होती है जो रहती है, लेकिन मोस्टली इसमें क्या होता है, टेरेस्ट्रियल भी अभी आने शुरू हो जाएंगे। फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक भी है। फ्री लिविंग में एग्जाम्पल ये देखो, ठीक है, अर्थफॉर्म। पैरासाइट में हम और देख लेंगे एग्जाम्पल, ये जैसे होता है, ठीक है, कनखजूरा टाइप का। तो ये देख लो आप, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी स्किन से हो रही है, ठीक है। सम हैव ब्रेकियल या गिल फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। कुटेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो रहा है। आपने कई बार एक्सपेरिमेंट भी करके देखा होगा, जब कोई कंडोया आपका बाहर निकलता है, अगर उसके ऊपर आप नमक डाल दो, वो मर जाता है, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि नमक जब डाल दोगे तो ऑस्मो रेगुलेशन खराब हो जाएगा बेचारे का, और वो सांस ना लेने के कारण, रेस्पिरेशन ना होने के कारण मर जाएगा। तो कुटेनियस होता स्किन, जो स्किन से रेस्पिरेशन, कुटेनियस का मतलब होता स्किन, जो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, दैट इज नोन एज योर कुटेनियस रेस्पिरेशन। तो इसमें यूनिक फीचर आ गया आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा डेवलप हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आइदर गिल्स या कुटेनियस। आर यू गेटिंग दिस? गिल्स क्या होते हैं? फिश में होते हैं जो गिल्स, ठीक है ना। तो उस प्रकार से कुछ ये डेवलप होना शुरू हो रहा है, ठीक है। यस, बिल्कुल सही बात है मुस्कान, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, ठीक है। ये इसकी ऊपर वाली स्किन है, तभी तो स्किन के ऊपर का आप नमक डाल तो मर जाता है बेचारा, क्योंकि उसकी अब एक्सचेंज होना बंद हो जाता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, याद रख, क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम का क्या मतलब होता है? एक तो ओपन सिस्टम होता है ना, एक होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है, बताइए जल्दी जल्दी। बताइए, क्लोज सिस्टम वर्टिब्रेट्स में यूजली ज्यादा पाया जाता है, देखो, ठीक है। हार्ट से होके आता है, वाल्व से होके आता है वो। क्लोज सिस्टम मतलब वाल्व से ऊपर जाता है हार्ट में, हार्ट से दोबारा आर्टरी से बॉडी सेल्स में, इसी तरह से घूमता रहता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत डिस्टिंक्ट अच्छा करेक्टरिस्टिक्स है जो इसको हमारे साथ भी जोड़ता है, ठीक है, मैमल्स के साथ में। हमारे में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, ओपन नहीं होता है हमारे में, ठीक है, डन, यस, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहीं से सर्कुलेट होता रहता है ब्लड और पूरे बॉडी में घूमता रहता है। पर क्या डिस्टिंक्टली हमारे पास इसमें अ हार्ट है? नहीं, अभी नहीं आएगा उसमें, ठीक है। नर्व कॉर्ड भी है, नर्व सेल्स भी दिखना शुरू हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स भी दिखनी शुरू हो जाती है, एक्सेसरी छोटे छोटे हार्ट्स हैं, छोटे छोटे मतलब, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑर्गन नहीं बना, छोटे छोटे पंप हैं, छोटे छोटे हार्ट। चले आगे, तो दिस आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेलिडा किंगडम। तो मेजोरिटी लिए हमने ये खत्म भी कर लिया है। एनेलिडा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से होती है हमेशा। अब देखो, हायर ऑर्डर में जा रहे हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी कम हो रही है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसकी। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चारा चल रहे हैं। अर्थवर्म एंड मोनोशियस मतलब डिफरेंशिएशन होती है, डायोशियस मतलब डबल डिफरेंशिएशन नहीं होती है, डेवलपमेंट इज स्टिल इनडायरेक्ट वे से होती है, ठीक है। तो मेल और फीमेल जेनिटेलिया जो होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन अभी नहीं होती है इनमें, ठीक है ना, एक में ही होते हैं हर्माफ्रोडाइट की तरह, डायोशियस और मोनोशियस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, व्हाट एल्स वी कैन सी हियर। यूनिक फीचर सेगमेंटेशन होती है, ये बता दिया आपको, और क्या होता है, आर्टरी वेंट्रिकल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स, मसल्स भी बनना स्टार्ट हो रहे हैं, मीजोडर्म बन रही है तो मसल बनना भी स्टार्ट हो रहे हैं, गट बनना भी स्टार्ट हो रही है, दिस इज वन ऑफ द यूनिक फीचर्स। व्हाट एल्स,
लोकोमोटरी। अच्छा, ये लोकोमोशन भी कहते हैं भैया। टांगे नहीं देखी कई बार आपने, पैरापोडिया बहुत सारे होते हैं, कंडोया भी धीरे धीरे आगे चलता है, नेफ्रीडिया होते हैं बहुत बढ़िया, सोफिया ने बोला एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो ये मूवमेंट भी करता है, ठीक है, तो ये चलता फिरता भी है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। गैंगलिया भी डेवलप होने शुरू हो गया। गैंगलिया इज फॉर योर नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, जब न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ना, न्यूरॉन्स जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो गैंगलिया बनाते हैं, तो छोटे छोटे गैंगलिया बनाने शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे गैंगलिया मिल जाएंगे तो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड और आपका ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, अभी छोटे छोटे गैंगलिया इकट्ठे शुरू होने चाहिए, अब छोटे छोटे हार्ट इकट्ठे शुरू होने होने शुरू हुए, ठीक है। चलिए, यू कैन गेस ऑल दिस नाउ, ठीक है, इट्स ओके। ये सारा कुछ समझ लग रहा है, ग्रुप सेगमेंटेशन, डन 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 डन, अब इजी है, वी विल फिनिश दिस ऑफ टुमारो। इफ 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 यू आर नॉट बिजी, कैन वी डू वन मोर? फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम दैट इंक्लूड्स ओवर 2/3 ऑफ द स्पीसीज, लेट्स कंप्लीट दिस आल्सो, ठीक है ना। तो हमारे पास अच्छा सा आज काफी काम हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। तो लार्जेस्ट फाइलम है जो सारी स्पीसीज आज तक हमने डिस्कवर की हैं, 2/3 हिस्सा यानी कि 66% ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम ए सिंगल फाइलम दैट इज आर्थ्रोपोडा, जॉइंट लेग्ड एनिमल्स। इसका क्या मतलब है, लेग डेवलपमेंट हो रहा है, स्टार्ट हो रही है, इसका क्या मतलब है? ये लीच का तो आपको पता चल ही गया होगा ना, लीच का, ठीक है। तो लीचेस इज नॉट इन एलिनिडा, इट इज इन एडिलिडा। आर्थ्रोपोडा में सारे के सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिखने की जरूरत है बार बार? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम, ये सारा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, दिस इज नाउ आप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कौन सी सिमेट्री होगी बताइए इसमें? डन, कोई इसमें नई बात? जी, ठीक है, ओके बेटा, मैं यूट्यूब पे डाल ही देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक बार शो कर दूंगा सारी की सारी, ठीक है, ओके। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? या जॉइंटेड फूट्स आए, या फुट भी आने शुरू हो गया लोकोमोशन के लिए, सुनो, ठीक है ना। तो बाइलेटरल सिमेट्री भी आ जाएगी, यस इट्स इजी, है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ सीलम आर देयर, ये बताने की जरूरत है? डन, ये बताने की जरूरत ही नहीं है यार, यू आर नाउ, अभी ये स्टार्ट हो चुका है, इसके पीछे तो जाने नहीं वाला। तो क्या इसमें सेजमेंटेशन होएगी कि नहीं होएगी बताइए? कॉस्मोपॉलिटन, कोई इसका हैबिटेट ऐसा नहीं है, हर जगह पे पाया जाता है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे के सारे ट्रॉपिक्स में भी डाला जाएगा, ये टेम्परेट जोन में भी पाया जाएगा, ठीक है। सेगमेंटेशन इज नो, ठीक है। तो अब क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अब इसका कंप्लीट हो चुका है, क्यों? एक माउथ और एक एनस हो चुका है स्टार्ट, डिस्टिंक्ट एनस डिस्टिंक्ट माउथ, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्टिव फीचर हो जाएगा, यूनिक फीचर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट विभिन्न प्रकार के क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएंगे। लंग्स भी आ जाएगा, छोटे सा लंग्स भी आ जाएगा, ट्रेकिया भी है जो पानी में रहते हैं उसमें ट्रेकिया भी होता है, लंग्स गिल्स भी होते हैं, सॉरी ट्रेकिया यहाँ पे होते हैं, गिल्स वहां पे पानी में होते हैं, गिल्स यहाँ पे, ट्रेकिया यहाँ पे, ट्रेकिया और लंग्स इज जो इंसेक्ट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, बुक लंग्स, है ना। और गिल्स और बुक गिल्स कहाँ पे होते हैं, जो लोग मैरीन या वाटर में रहते हैं। तो इंसेक्ट्स आपने बड़े देखा होगा, जैसे हमने क्रिल्स देखे थे, याद है क्रिल्स, जब मैंने आपको बताया था दैट इज क्रैब्स या क्रिल्स, दे आर द की स्टोन स्पीसीज, ठीक है ना, इन ओशन और मैरीन इकोसिस्टम, तो उनमें गिल्स या बुक गिल्स होते हैं, याद है। और जो ग्रास होपर है उसमें ट्रिकिया होता है, आपने सुना होगा, बुक गिल्स होते हैं, जैसे स्पाइडर्स होते हैं खास करके, उनमें बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन होगा, क्या ये याद करने की जरूरत है? ये तो हमें पिछले बार से पता चला गया था, याद रखो, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस थिंग, ये जरूर आपने करना है। हाउ आर्थ्रोपोडा इज डिफरेंट फ्रॉम एनिलिडा, एनिलिडा में क्लोज था, हमारे में भी क्लोज है, तो वी आर रिलेटेड टू मोर टू अर्थ वर्म्स देन टू इंसेक्ट्स, हो
ओके okay, कैसे? क्योंकि उसमें भी क्लोज सिस्टम है, हमारे में भी क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सिस्टम किसमें होता है, ये आपने देख लिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओपन होता है, ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट इनटू बॉडी कैविटीज, ठीक है ना। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ, ठीक है। चैम्बर, चैम्बरेशन ऑफ द हार्ट स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये होता है क्या कहते हैं, डायोशियस होते हैं, यूजली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ओविपैरस होता है, एग लेइंग होते हैं, याद रखो एग लेइंग होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है, दोनों प्रकार से। आपने देखा होता है बटरफ्लाइज एग्स ले करती है, तो कई जो होते हैं, जो मेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मेल्स बड़े हैं यहाँ पे। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो हमने पढ़ के आए थे, जब हम हायर ऑर्गेनिज्म में बन जाएंगे वो डायोशियस या मोनोशियस हो जाएंगे, याद है। चलिए, तो इसका क्या मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कई बार जो ये है, इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि ये जो आपने देखा होगा बटरफ्लाई एग्स ले करती है, फिर वो एग्स धीरे धीरे लार्वा बनते हैं, लार्वा पूपा, लार्वा स्टेजेस ये जो आते हैं, लार्वा टू पूपा, पूपा से फिर वो अलग से बटरफ्लाई बन जाते हैं, कोकून डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल सही बात बोला आपने, ये सारा कुछ जो हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, आर्थ्रोपोडा में हो रहा है जी, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब हमेशा दो दो के पेयर में आएंगे, जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे, बॉडी हैज थ्री रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स होंगे, अब आपकी डिफरेंट कैटेगराइजेशन होंगी। वो क्या है, आपका हेड होगा, थॉरेक्स होगा, एब्डोमन होगा, ये समय लग रहा, हेड थॉरेक्स एब्डोमन ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब सेंसरी ऑर्गन हो जाएंगे, कंपाउंड आइंस आ जाएंगी, और अब मेलफिशियन ट्यूब्यूल्स भी आ जाएंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए। हम आगे की तरफ चल रहे हैं, अब आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप में शेल आ जाएगा। शेल का मतलब क्या होता है, एक्सोस्केलेटन आ जाएगा, ठीक है। एनलिडा से कैसे डिफरेंट है आर्थ्रोपोडा, क्योंकि वो उनमें शेल कोई नहीं होता, उनका एक्सोस्केलेटन कुछ नहीं होता, इनमें एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब जैसे हमारे में हड्डियां होती, वो अवर एक्सोस्केलेटन इज अवर हड्डियां, तो उनका जो हड्डियां नहीं होती, इनमें क्या होता है, चिटनस की क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल का होता है तो हार्ड लेयर होती है, कभी आपने मधुमक्खी को देखा हो तो थोड़ा सा वो हार्ड होती है, कॉकरोच को देखा हो थोड़ा सा हार्ड होता है उसका, चाइटन से बनता है, चिटन से, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को वहां पे मिलती हैं, ठीक है। तो स्पाइडर, वेरियस इंसेक्ट्स जो होते हैं, स्कॉर्पियन, क्रैब, प्रॉन, यू ऑल कट, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है, डन। हनी बी, बॉम्बे एक्स, लैसिफेरा, वेक्टर्स, वाई इंसेक्ट्स, क्योंकि ये दो हमेशा याद रखो, आर्थ्रोपोडा टू बाय थर्ड इंसेक्ट्स, हमारे में जितनी प्रजातियां पाएगी 66% आर आर्थ्रोपोडा। व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ 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 आर्थ्रोपोडास, बताइए, सोचो। लाइफ, नेचर इज सो डाइवर्स, खुद सोचो, नेचर इज सो डाइवर्स, क्या कर रही है नेचर, देखो दो बटा तिहाई सबसे ज्यादा क्या है, इंसेक्ट्स हैं हमारे पास, इंसेक्ट्स हैं। तो नेचर ने क्या किया, इसको देखते हुए प्लांट्स में एक अलग से बॉडी बना दी, उसका नाम था एंजियोस्पर्म्स। हमने पढ़ा एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म ने अपने मोनोकोट और डाइकोट पढ़ा, याद है। और फ्लावर्स क्यों बनाए भैया, हमने फ्लावर्स इन्हीं को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए, नेचर विल, और इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है ना, एवोल्यूशन। और इसी के कारण वश आपके पास फ्रूट बने, नहीं तो फ्रूट बनने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। फ्रूट खाने के लिए आएंगे या फ्लावर की सेंट लेने के से, जो होते हैं नेक्टर से देख के अट्रैक्ट क्या होगा, इंसेक्ट होता है, जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं। तो दिस इज हाउ द नेचर बैलेंसेस इटसेल्फ, अगर आप किसी भी चीज को डिस्टर्ब करोगे तो कहीं ना कहीं इसके पास आपका ओवरऑल इफेक्ट, जो बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं, कभी वह समझाऊंगा आपको, तो वो होता है, समझ रहे मेरी बात। This is how fragile nature is, how delicate balanced nature is. आप नहीं समझे, इसने वैक्टर बना दिया, समझ रहे हो, वैक्टर्स आर वो जितने भी क्यूलेक्स, एडिस एजिप्टी, एनोफिलिस, हाउस फ्लाई, जितने भी हमारे पास कोलरा आया, मलेरिया आया, डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, आप नहीं सुधरे, उसने ये बना दिया, समझ रहे हो। We exploited nature, nature exploited us back.
नेचर फोर्थ एस्पेक्ट, ठीक है। तो वेक्टर्स का उन्होंने एक कंसेप्ट लेके आया, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का एक कंसेप्ट लेके आया, जो कि सारे के सारे है क्या, ये सारे के सारे क्या है आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो लास्ट में ये स्लाइड देख लो, देन वी आर फिनिश फॉर टुडे, वी विल स्टार्ट अ न्यू फ्रॉम टुमारो। ओके, एनीथिंग दैट इज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हियर? डन, क्या और भी पढ़ना है? यू वॉन्ट टू स्टार्ट फाइलम मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीज जिसको आप बोलते हो, पढ़ लो फिर, ये भी खत्म कर लेते हैं भैया। इसमें मेरे को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो भैया, ठीक है। बोलू कुछ, इसमें कौन सा आ जाएगा? बायलेटरल सिमेट्री, ये तो यार शेल्स हैं सारे के सारे, ऑयस्टर्स हैं, स्नेल है, ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस में देखो डिफरेंशिएशन है, ऑक्टोपस में देयर इज सम डिफरेंट टाइप ऑफ बायलेटरल सिमेट्री। ओके, स्क्विड हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, व्हाट वुड बी इट बी, कोई ये बताने की जरूरत है? ये तो मैंने ऐसे स्लाइडें बनाई आई हूँ, पर ये आपको पता ही हो गया, ये तो मतलब जग जाहिर है। सिर्फ यूनिक फीचर करने हैं आपने, यूनिक फीचर में क्या आएगा? यूनिक फीचर में ये एक्वाटिक या कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जैसे स्नेल, ठीक है ना, कोरल्स, बस दे आर मोस्टली, जो आपने देखा होगा स्टिंगरे होती है, ये सारे कुछ आता है आपका फाइलम मोलस्का। मोलस्का में सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, ये आपको याद रखना। रेस्पिरेटरी सिस्टम डन, पल्मोनरी सैक होता है टेरेस्ट्रियल में, गिल्स होते हैं एक्वाटिक में, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन नाउ इज स्टार्टिंग ओवर हियर। ओके, तो व्हाट एल्स वी कैन से, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा। यूनिक फीचर क्या होती है? बॉडी हैज ए हेड, विसरल मास एंड मस्कुलर फूड। अब हेड बॉडी टेल नहीं होगी आपकी, क्या होगा? हेड बॉडी, हेड होगा एक विसरल मास होगा, जिसमें सारे के सारे आपके हेड, आज देखो हेड दिख रहा है, बाकी विसरल मास और फुट पैर होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार देखा होगा आपने स्नेल जो नीचे नीचे चलता, क्रॉल करता है धीरे धीरे, पैर उसके नीचे होते हैं, ठीक है, हेड सामने की तरफ होता है, और उसके ऊपर क्या होता है? शेल होता है, जिसको विसरल मास बोलते हैं, ठीक है, डन। और वो शेल जो होता है वो
टेंटिकल्स होते हैं फॉर, ये सारा कुछ डिफरेंशिएशन हो रही है, ठीक है। शेल्स इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। तो वी हैव डन दिस, व्हाट एल्स वी कैन से अबाउट दिस। फेदर लाइक गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन एक्सपिरेशन के लिए, ठीक है। ठीक है, मेंटल कैविटी होती है जिसमें कि ये मोती बनाता है, सिप्पी के बारे में भी आपको बताया होगा, रेडुला होता है, ठीक है ना, ग्रास्प करने के लिए कुछ चीज को, ठीक है। तो ये सारा कुछ आता है मोलस्का में, ठीक है। तो एनीथिंग, अब आपको ये समझ रहा है, इंटेस्टाइन डेवलप बनना शुरू हो गई है, यू इफ यू आर सीइंग दिस यू नो, एक हार्ट थोड़ा सा बनना स्टार्ट हो गया है, नेफ्रीडियम, शेल, गिल, मेंटल कैविटी, एनस, माउथ, सेंसरी टेंटिकल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्टमक, गोनैड, तो ये सारा कुछ बनना स्टार्ट हो चुका है, सेल में डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुकी है, अब ये ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक फीचर इसकी ले लेना स्क्रीनशॉट, दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे बेटा। नाउ वी विल मीट टुमारो and we will start from Echinodermata, that is your starfish. Okay, done. Okay, okay. So we will finish up with this. ये बहुत जल्दी खत्म होएगा, सिर्फ 10 मिनट का ही रह गया था वैसे, और चलो कल हम इसको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, and we will start with chemistry tomorrow. Okay, okay बेटा, bye bye, have a great day. Okay.